का एक सशक्त और सक्रिय तरीका है जहां विचारों को साझा करने से, सामूहिक निर्णय लेने से न सिर्फ सफलता मिलती है बल्कि आपके पारिवारिक तथा सामाजिक संबंध और बेहतर होते हैं। सभी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति आज यहां पर हमें मार्गदर्शन के लिए पधारे हैं जो अपने विचार यहां पर प्रस्तुत करेंगे। आज हम उनको यहां पर सुनने वाले हैं। आइए हम अब प्रथम सत्र को आरंभ करते हैं। प्रथम सत्र में पुनश्च आप सभी का हम स्वागत करते हैं। इस सत्र में हमारा पहला विषय है मेरा समाज मेरी जिम्मेदारी। श्रीमान अनिल जी राठी से मंच पर आने की हम विनंती करते हैं। अनिल जी राठी, समाज के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारे कुछ कर्तव्य बनते भी हैं। हमारे इसी सामाजिक दायित्व के प्रति चेतना जगाने हेतु हमारी इन सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति उद्बोधन करने के लिए पधारे हैं श्रीमान राठी जी। इनका परिचय देने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ शैला जी बाहेती। जय श्री कृष्ण। सम्माननीय व्यासपीठ, पधारे हुए मान्यवर और हमारे सभी श्रोतागण, इन सबको राजस्थानी महिला मंडल की ओर से नमन करती हूँ। आज हम सब एक जाने माने व्याख्याता से मिलते हैं जिन्हें मिलकर सुनकर हमें बड़ी खुशी होगी। आप हैं अमरावती से पधारे हुए श्रीमान अनिल जी जुगल किशोर जी राठी और आपका विषय है मेरा समाज मेरी जिम्मेदारी, जो बड़ा गहन और महत्वपूर्ण विषय है और हाँ, जो कि आज की जरूरत है। समाज ही मेरा आराध्य, समाज ही मेरी पूजा, समाज ही मेरा सर्वस्व। तो हमें प्रेरणा की राह दिखाने वाले हैं आदरणीय अनिल जी राठी। आप विमा सलाहकार, सिनेमा वितरक एवं पतंजलि उत्पादक के वितरक हैं। संगीत, शतरंज, क्रिकेट, पढ़ना आपकी रुचि है। आपने अनेक योग प्राणायाम शिविर का मार्गदर्शन दिया है तथा व्यक्तित्व विकास के सेमिनार अनेक जगहों पर आयोजित किए हैं। रक्तदान सबसे बड़ा दान, आपने 72 बार रक्तदान किया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड नाम दर्ज हुआ। रनिंग कंपटीशन में अमरावती जिले में द्वितीय स्थान। आप बेस्ट ट्रेनर अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित है। आप प्रशिक्षक के नाते निमंत्रित रहते हो अनेक विषयों में, जैसे संवाद कौशल्य, मोटिवेशन, आदर्श पालक तत्व, समय प्रबंधन, तनाव, सकारात्मक दृष्टिकोण में आप राह दिखाते हो। हम भाग्यशाली है आप हमारे लातूर में पधारे। कहते हैं ना, फूल की पहचान खुशबू से होती है, तो आज हमारे वक्ता की पहचान उद्बोधन से होती है। तो आइए हम सुनते हैं आदरणीय अनिल जी राठी को, जो हमें मूल्यवान सीख प्रदान करेगी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद शैला जी। आमंत्रित करते हैं सम्मान भरी तालियों के साथ श्रीमान अनिल जी राठी। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, भारती को नमन करता हूँ। इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्याम भैया, सभी पदाधिकारी, मेरे मार्गदर्शक बंसाली जी साहब, प्रकाश भैया, रोटेरियन विजय भैया यहाँ पर हैं, मेरे स प्रशिक्षक नीता जी यहाँ पर है, कुमुदिनी दीदी यहाँ पर है, आदरणीय मंच एवं परम आदरणीय सदन, 2400 सेकंड मुझे आपसे वार्तालाप करने का समय मिला है, जिसमें से लगभग 25 मिनट यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। अगर समय से चलना चाहूँ तो 900 सेकंड मेरे पास बचते, 1500 सेकंड समाप्त हो चुके हैं। लेकिन समझता हूँ कि हमने अंग्रेजों ने जो कुछ सीखा है, जितना कुछ हम पाश्चात्य संस्कृति से सीखा है, उसमें जितनी बातें वो सारी के सारी गलत सीखी है।
सीखना ही होता उनसे, तो टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं तो शायद ये सब कुछ बराबर हो जाता। लेकिन फिर भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि हमारा कार्यक्रम बहुत समय पर चल रहा है, नहीं तो कई कई जगह ऐसा होता है कि हम दो दो घंटे बैठे रहते हैं। लेकिन आज जिस ढंग से कार्यक्रम का नियोजन किया, आप कदापि राजस्थानी महिला मंडल रातूर बिल्कुल इस बात का बुरा मत मानिए, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, इतनी तारीफ आपकी सुनी है। तो मुझे लगता है पूरे देश में जब मैं घूमता हूँ तो इस आज के बाद राजस्थानी महिला मंडल लातूर का नाम मेरे भाषण में हरदम रहेगा, क्योंकि महिला मंडलों के इतने झगड़े मैंने देखे हैं। केवल राजस्थानी महिला मंडल लातूर यहां पर ऐसा था कि एक भी महिला मेरे कान में आकर कुछ गुनगुनाई नहीं। अदरवाइज पूरे देश में घूमता हूं तो कोई ना कोई आके किसी न किसी के बारे में बोलती है। आप तो आदर्श है, आदर्श आपको तो मैं यहीं से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत समय पुरानी बात है, अब 2400 सेकंड पहले मैं लगा तो लूं इधर जी। हाँ नहीं नहीं वो लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको और भी लोगों को सुनना है, आपका समय भी इम्पोर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात है आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, पता नहीं यहाँ से कितने लोग चले जाएं। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं पहले गुजारिश कर देता हूँ कि 2 बजने के बाद भी आप यहीं टिके रहना इसी ढंग से, क्योंकि उसके तो हाइलाइट्स देखने मिल जाएंगे। उसका रिजल्ट तय है, मैं आपको बता दूँ उसका रिजल्ट भी तय है, एक जितना एक हारना है ये भी तय है, इसलिए आप रिजल्ट की चिंता ना करें। कौन जीता कौन नहीं जीता आप सस्पेंस बाद में खोलना, जाके हाईलाइट देख लेना, फिर किसी से बात कर लेना तो आपको वो भी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग आए हैं उनको आप सुनेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में एक परिवर्तन आ जाए, तो ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्रिकेट मैच से भी ज़्यादा। शुभकामनाएं हमारी भारत देश के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान की टीम अब तक जीती है, आगे भी जीतती रहेगी। लेकिन अब तक हमारे साथ क्या हुआ इस बात को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैं मेरे बारे में विचार कर रहा था, सोच रहा था एक दिन बैठे बैठे, तो श्याम भैया मैं आपको बताऊं कि मैंने सोचा कि मैं मेरा काम तो करता हूं, मेरा परिवार का काम करता हूं, और फिर जब रास्ते से जा रहा था तो देखा मैंने कुत्ते बिल्ली भी अपना काम कर लेते तो मैं अलग क्या करता हूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे यार ये काम तो कुत्ते बिल्ली कर लेते, फिर मेरा क्या रोल है, मेरा तो कोई भी रोल नहीं, फिर मेरी जिम्मेदारी क्या है, ईश्वर ने मुझे इस जन्म में क्यों भेजा, 7 जन्मों में से ये 5वां जन्म है, यहां से प्रारब्ध सही रूप से बनते हैं, यहां से या तो आपकी गति होगी या अधोगति होगी। तो जब ये जन्म मुझे दिया है इसका मतलब ईश्वर मुझसे कुछ और चाहता है, और जब ईश्वर मुझसे कुछ और चाहता है तो ईश्वर एग्जैक्टली मुझसे चाहता क्या है, और ईश्वर क्या चाहता है ये समझने के लिए जब मैं और आगे बढ़ने की कोशिश किया, आगे बढ़ने के लिए देखा कि फिर समझ में आया कि हमारा समाज वो क्या करता है। क्योंकि समाज ऐसा ही नहीं बनता, समाज बनता है परिवार से, परिवार बनता है एक एक व्यक्ति से, तो एक एक व्यक्ति के अंदर वो सुधारना हो तो परिवार के अंदर सुधारना होगी, परिवार के अंदर सुधारना होगी समाज के अंदर होगी, और समाज ही फिर देश बनाएगा, बगैर समाज के कोई भी देश कभी भी बनता नहीं है। और ये हिंदुस्तान की, इस सनातन धर्म की, इस भारतीय संस्कृति की हम सौभाग्यशाली है, हम तो ईश्वर को, हमारे प्रभु को, हमारे परमात्मा को बार बार जितना धन्यवाद दे उतना कम है, क्योंकि हमने भारत देश में जन्म लिया, हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया, हमने ऐसी धरती पर जन्म लिया जिसकी संस्कृति सबसे ऊपर है। सारी दुनिया के जितने राष्ट्र हैं किसी को भी माँ नहीं कहा जाता, पाकिस्तान माँ, रशिया माँ, अमेरिका माँ, कभी सुना है नहीं, लेकिन भारत माँ को भारत माँ कहा जाता है क्योंकि माँ की महिमा ऐसी है। जितने प्राणी हैं सब में जाने दो, लेकिन गौ माता को माँ कहा जाता है क्योंकि उतनी प्रतिभा है, उतना कला उसके अंदर है, उतनी शक्ति है कि जो हमें भी जान देती है। जब ये सारी बातें समझ में आई तो सब मुझे समझ में आए तो हम तो बिलोंग करते हैं राजस्थान से। जब हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी बनी कि हमको अलग अलग प्रदेश में जाना पड़ा, कमाई के लिए बाहर निकलना पड़ा। हमारे पूर्वज हमारे कमाई के लिए बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद कुछ नियम बनते गए। साल भर में तीज का त्यौहार आता, वो ऐसे ही नहीं आता, तीज में हस्बैंड को घर पे आना ही पड़ता है, पति राजा को घर पे आना ही पड़ता है, और साथ में पिंडा पासने की प्रथा है। वो इसलिए कि साल भर तुम जितना देश में घूमकर कमाते हो वो साल में एक बार घर पे आओ, परिवार की भी हालत देखो, जो जमा किया है वो पूंजी घर पे दे दो, यहाँ का घर कर चले, और फिर आप कमाई के लिए निकलो। और तब बनते हैं तीज के वो सत्तू के लड्डू। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि प्योर घी के वो लड्डू कभी खराब नहीं होते। रास्ते में कहीं पर भी तुमको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़े, हीमोग्लोबिन भी तुम्हारा ठीक रहे, इसलिए वो तीज का त्यौहार है, और इसलिए वहाँ से वो सत्तू का लड्डू लेकर निकलते हैं और फिर पूरे देश में घूम के फिर व्यापार करते हैं। लेकिन ये जब देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग गाँव में जाकर बसे तब इनको समझ में आया कि यहाँ पर मैं अकेला हूँ, लेकिन यहाँ पर स्कोप बहुत है। आखिरी मारवाड़ी सब चीज़ को सोचते हैं। जब जब कोई मारवाड़ी के ऊपर आक्षेप उठाता है तो एक चीज मैं आपको अभी कह दूं, फिर उसके बाद शायद मैं भूल जाऊं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी एक बार कलकत्ता के किसी व्यापारी के पास पहुंचे, और व्यापारी के पास पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि भाई हमसे देश स्वातंत्र के लिए पैसे चाहिए, डोनेशन चाहिए, तो इनके पास बैठ के कुछ एक राशि जमा कर लूं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी उन मारवाड़ी व्यापारी के पास बैठे, उनके पास समय नहीं था, कुछ तो लोग थे, कस्टमर्स थे, चल रहा था, चलते चलते एक किसी आदमी के हाथ से, उनके जो आदमी था उसके हाथ से कुछ नुकसान हो गया, शायद एकाने का नुकसान होगा, एकाने से भी कम का नुकसान होगा, लेकिन उस कम के नुकसान के ऊपर वो मारवाड़ी व्यापारी जो है उनके ऊपर बहुत गर्म हो गया, बहुत उसने मतलब बातें सुना दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता है ये जरा ज़्यादा ऊर्जावान थे, उन्होंने गांधी जी के कान में कहा कि यहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, जो आदमी एकाने के लिए इतनी किटकिट कर देता है वो हमको क्या पैसे देने वाला है, वो हमको क्या। तो गांधी जी ने कहा देखो उठ के चले गए तो वैसे भी ना, बैठे रहें थोड़ी देर, इतनी देर बैठे सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, हम बैठते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, और वो वहाँ पर बैठे रहें। व्यापारी ने अपना काम निपटाया, उस मारवाड़ी भाई जी ने फिर इनकी तरफ पलट कर कहा कि कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र की सेवा के लिए निकले हैं और हमको फ्रीडम के लिए हमको पैसे चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी अपेक्षा है कि आप हमें कुछ दें। उस व्यापारी ने आओ देखा न ताओ, ड्रावर खोला, अपनी बही खोली, बैलेंस देखा, 66,000 का बैलेंस, इमीडिएट एक चेक बनाया और उनको दे दिया, थैंक यू वेरी मच। और जैसे ही चेक दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का चेहरा एकदम बदल गया कि अरे अब ये चेक लेके चलो, फिर व्यापारी का मूड न बदल जाए। गांधी जी और वो धीरे धीरे निकलने के लिए बस तैयारी में, धन्यवाद देके निकलने की तैयारी में थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े ज़बरदस्त व्यक्तिमत्व, उन्होंने कहा मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ उनसे। गांधी जी ने कहा पूछो क्या बात है। व्यापारी ने सुन लिया, बोले बोलिए बोलिए आप क्या बात है, कि कुछ शंका है कुछ। तो बोले नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस 6 पैसे के लिए तुमने उस आदमी को इतना डांटा और अभी 66,000 का चेक देते वक्त, 66,000 का कैलकुलेशन कर लीजिए, आज 66 करोड़ रुपये के अंदर जाएगा, उस वक्त एक सेकंड में 6 सेकंड नहीं लगे, उस वक्त वो चेक दिया, तो ये मैं दोनों रूप आपके समझ नहीं पाया ये क्या है। तब उस मारवाड़ी ने जो जवाब दिया वो हर मारवाड़ी ने, हर किसी के सामने जवाब देना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब हम कहीं जाते हैं तो मारवाड़ी कंजूस है, मारवाड़ी कंजूस है, मारवाड़ी कंजूस नहीं है, लेकिन उसके इतिहास में हम जाना नहीं चाहते, उसको अपोज करना नहीं चाहते, उसके आंखें में आंखें डालकर हम बात करना नहीं चाहते, क्योंकि हमको पता नहीं होता। मारवाड़ी ने कहा वो जो 6 पैसे का नुकसान हुआ है वो किसी के काम का नहीं था, लेकिन आज जो 66,000 रुपये आप लेके जा रहे हैं ये पूरे देश के काम आने वाला है, और इसलिए मैंने ये दे रहा। हम लोग कंजूस नहीं है, हम काट कसर करते हैं, हम वो बेफजूल का पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए हमने वो काम किया। तो हम कंजूस नहीं है। आज जितनी धर्मशालाएं हैं, जितने फाटे फूटते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप निकलो, जिस तालुका पेस पे जाओ, जहां पर धर्मशालाएं हैं, कुएं हैं, शैक्षणिक क्षेत्र है, गौरक्षण है, जितना कुछ है, किसने किस कौन मैनेज कर रहा है, हम मैनेज कर रहे हैं, राजस्थानी समाज मैनेज कर रहा है। हमारे समाज के ऊपर गर्व होना चाहिए, और इसके लिए आपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। जब मुझे पता चला कि जब मैंने सोचा कि ये सारी बातें, ये सारे एक एक देहात में जाकर बसे हैं लोग, और वहाँ पर जाकर, तो वहाँ पर फिर धीरे धीरे अपने लोग बढ़ते गए, फिर धीरे धीरे जब लोग बढ़ते गए तो फिर वहाँ पर अपना एक संगठन बनता गया। उस संगठन में एक चीज़ बहुत अच्छे से तय की गई, उस संगठन में चीज़ तय ये की गई थी कि जिसकी जिसकी जैसी ऐसी आर्थिक परिस्थिति होगी वो पंच वैसा निर्णय लेंगे। अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, पंच निर्णय लेते कि इसके शादी ब्याह में, इसके मरण कारण में जो भी कुछ होगा, मिठाई बनेगी तो कितनी बनेगी, 3 बनेगी 2 बनेगी 1 बनेगी, और सारा सामान कहीं से खरीद के परचेस करके भाड़े से नहीं लाना पड़ता था, वो वहाँ पर हुआ करता था, बड़े बड़े गंज परात, ये सारा सपोर्टिंग सिस्टम में चलता था। और ये सारा सपोर्टिंग सिस्टम कौन करता था, हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के वहाँ पहुँचे हुए लोग, और वहाँ पर उन्होंने वो एक आदर्श निर्माण किया, और उसके बाद ये संगठन, ये समाज की भावना है। ये जितने लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, मैं दावे के साथ कहता हूं ये धर्म है ही नहीं, इसमें का कोई भी धर्म नहीं है। धर्म का मतलब तो होता है विचारों में शुद्धता और आचरण में निर्मलता, ये होता है धर्म, धर्म का मतलब ये है। ये हमारे संदर्भ के लिए ठीक है, मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, जो कुछ है, लेकिन जो कुछ भी है सबसे ऊपर तो कौन था, सबसे ऊपर हिंदू है, फिर उसके बाद ये बाइफर्केशन हुआ, उसके बाद ये बाइफर्केशन हुआ आपके यहां पर। ये बहुत अच्छी बात है कि यहां पर इलेक्शन नहीं होते। छोटी सी बात में मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, 1700-1800 साल पहले ये क्रिश्चियन धर्म जो पैदा हुआ था कृष्ण नीति को देखकर पैदा हुआ, 1400-1500 साल पहले जो मुस्लिम समाज जो पैदा हुआ, मुस्लिम धर्म जो पैदा हुआ, ये किसी देश के कारण पैदा हुआ। अगर कोई भाई यहाँ पर अगर है तो बिल्कुल आप समझ लीजिए इस बात को, उनके नाइक जी खुद कहते हैं इस बात को। किसी एक क्लब का प्रेसिडेंट बनना था, किसी एक को, ए को बनना था, चलते चलते बी के मन में आया कि मैं भी बनूं, बी को बनने को नहीं मिला, उसने सोचा कि 50 की संख्या है, मैं इसमें से 10 लोग अपने हैं, 10 लोगों को लेके अलग क्लब बना देता हूँ, और उन्होंने अलग क्लब बना दिया। अब इस क्लब से अलग मेरी पहचान कैसी हो, तो इस क्लब से अलग पहचान करने के लिए उन्होंने और एक बात कही कि अभी क्या करें, अभी इनसे सारा विपरीत करें, और इनसे सारा विपरीत क्या क्या करें, तो 32 चीज़ें ऐसी है जो हमारे अगेंस्ट करते हैं। हम लोग बिंदी लगाते हैं, वो बिंदी लगाते हैं नहीं लगाते हैं, हमारा पैजामा उनका पैजामा,
हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो राइट टू लेफ्ट, ऐसी कितनी सारी चीज़ें, 32 चीज़ें सिर्फ अपनी पहचान बताने के लिए। और फिर हमारी संख्या कैसे बढ़े, हमारे क्लब की संख्या कैसे बढ़े, तो फिर उसके बाद उन्होंने ये सब शुरू किया कि चार विवाह ही अपभ्रंश हैं, ये भी अपभ्रंश हैं। वहाँ पे सामूहिक विवाह की परमिशन है, पेज नंबर 32 उनका अगर कोई ग्रंथ आप पढ़ें उस ग्रंथ में जाके पैरा नंबर 3 पे देख लीजिए, वहाँ पर सामूहिक विवाह की परमिशन है। लेकिन आने वाले किसी कल्पित व्यक्ति ने इसको सामूहिक विवाह के बजाय चार विवाह की परमिशन दी और अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश की, और ये संख्या बढ़ाकर अब आक्रमण करने की कोशिश करें। बात को समझने की कोशिश करना, ऐसे वक्त हमारी जिम्मेदारी क्या बन जाती है। ये केवल ये नहीं, हजारों सालों से, सैकड़ों वर्षों से हमारे ऊपर आक्रमण होता आया, कभी मुगलों ने आक्रमण किया, कभी अंग्रेजों ने आक्रमण किया, लेकिन ये आक्रमण के बाद भी हमारा कुछ हुआ नहीं जो पिछले सत्तर साल में हमारा नुकसान हुआ। मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पक्ष की बात करना भी नहीं चाहता, लेकिन हमको ये समझना जरूरी है कि हमारे ऊपर ये सारी अधोगति हमारी हुई क्यों, आज इतना बड़ा प्रश्न हमारे ऊपर निर्माण क्यों हो रहा है कि मेरा समाज मेरी जिम्मेदारी। एक समय था कलम 70 लगने के पहले बार बार हमको कहना पड़ता था कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। इसकी सेकंड साइड थी कि कश्मीर हमारा है, इसके ऊपर हमको डाउट है। आज कोई कहता है क्या कश्मीर हमारा है, क्योंकि हमको पता है कि कश्मीर हमारा है। कभी आपने कहा कि महाराष्ट्र हमारा है, क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमको पता है कि महाराष्ट्र हमारा है। वैसे आज कश्मीर भी नहीं कहना पड़ता। अरे तो ये जब आक्रमण हमारे ऊपर हुआ, ये 70 सालों में सबसे बड़ी बात की, सबसे बड़ी बात धर्म और समाज, ये बेकार की बातें हैं। ऐसी शिक्षण प्रणाली बना ली गई और ऐसा ही शिक्षा हमको दी गई, और उस शिक्षा के माध्यम से हमारे ऊपर संस्कार करते चले गए। धीरे धीरे वो संस्कार होते चले गए, हम उन संस्कारों के प्रति चलते गए। पहले एक ज़माना था जब हमारी पीढ़ी थी, हमारे बाबूजी ने, हमारे माताजी ने, हमारी दादी जी ने जो कहा हमने सुना, और हमने कभी सवाल नहीं पूछा कि ये क्यों। लेकिन आज जब हमारा बच्चा पूछता है कि ये क्यों, हमारे पास जवाब नहीं है, और फिर बाहर जाके सीखता है, वो बोलता है कि अरे आपके पास तो जवाब ही नहीं, इसका साइंटिफिक रीज़न ही नहीं पता, और इसका साइंटिफिक रीज़न हमको पता नहीं, हम हमारे बच्चों को जवाब नहीं दे सकते, इसलिए हमारे बच्चे हमसे इस ढंग से दूर हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये काम जितना माता को श्रेय जाता है, उतना माता को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि हमारी अज्ञानता के वश हमारी ये पीढ़ी भटक रही है। और जब हमारे अज्ञानता के वश हमारी ये पीढ़ी भटक रही है, तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ होती है, यहाँ पे बिंदी क्यों लगती है तो हमको पता होना चाहिए, कान में बाली क्यों पहनते हैं तो पता होना चाहिए, नथुनी क्यों पहनते हैं तो पता होना चाहिए, पैरों में बिछुड़ी क्यों पहनते हैं तो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का हर चीज़ से संबंध है। आपके हाथों में चूड़ियाँ होती है तो क्यों होती है, अरे यहाँ पर हर चीज़ का शरीर में पॉइंट है। गर्भाशय एक्टिव होता है तब आपको शादी के बाद में बिछुड़ी पहनाई जाती है, क्योंकि आपको वहां पर उसका काम पड़ेगा। सिंदूर माथे में क्यों लगाया जाता है, केवल सिंदूर, तो सिंदूर में भी फैशन आ गए, ये सेंटर से हटा के यहाँ पे, लेकिन सेंटर के सिंदूर का महत्व कुछ और है। जब तक ये बातें हमको नहीं समझ में आएगी, हम हमारे बच्चों को जवाब ही नहीं दे सकते, हम हमारे बच्चों को बता ही नहीं सकते कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। अगर जीजा माता ने एक एक स्टोरी रोज अगर अपने बच्चों को बताई होती तो शायद ये बात ही नहीं होती। जीजा माता ने बताई इसलिए शिवाजी हुआ, लेकिन हमारी यहाँ पे जीजा माता मुझे नहीं पता कि कितने अपने बच्चों को स्टोरी बताते, उनको गोद में बिठाकर बात करती है। लेकिन अब ये करना पड़ेगा, ये धीरे धीरे हमारे समाज को तोड़ते चले गए, ये हमारे शिक्षण को तोड़ते चले गए, हमारे खान पान के सिस्टम को बदलते चले गए, और हम इनके बहाव में बहते गए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर सीखना होता पश्चिमात्य लोगों से तो हम टाइम मैनेजमेंट सीख लेते, लेकिन हमने सीखा उनका खाना पीना, उनका खाना पीना उनके भौगोलिक स्थिति अनुसार है। वहाँ पर जब ठंड पड़ती है, वहाँ पर जब मेरे डॉक्टर से बात हो रही थी, वहाँ पर जब ठंड पड़ती है तो ब्लड गांठें गिर जाती हैं, वो गांठें नहीं गिरनी चाहिए इसलिए उनको पीना पड़ता है। अब उनके ऑफिस में चाय की जगह 30-30 ml सर्व होता है, हम समझते हैं कि ये फैशन है और हमने हमारे यहाँ पर पीना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ पे गर्म पानी पीने से भी ये काम चल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही उष्ण है। मेडिकल साइंस भी इसके साथ है, ये जितने त्यौहार है हमारे, इसके पीछे हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्यात्म को जोड़िए, शास्त्रीय दृष्टिकोण से धर्म को जोड़िए, शास्त्रीय दृष्टिकोण से धार्मिकता को जोड़िए, और उसके साथ संस्कारों को जोड़िए, देखिए इतना आनंद आएगा। ये जितने लोग वापस जा रहे हैं, जितने लोग इस बात को नहीं समझते, वे सारे के सारे आज अगर हम हमारे बच्चों को कहें जड़ूला उतार दो, तो आज अगर हमारे बच्चों को हम कहें जड़ूला उतार दो तो वो कहेंगे हैं या बेटा कौन जाएगा राजस्थान में, कौन जाएगा देवी मारे, कौन जाएगा ऐसा वैसा, दूसरे सिस्टम से समझाओ इनको। जब बच्चा जड़ूले का भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, बच्चा जब रेंगते रहता है तो उसका ब्लड का प्रेशर सेम रहता है तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता। जब वो 6 महीने के बाद क्यों जड़ूला उतारते, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चा खड़ा होता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो इधर कम होता है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जगह मिलती है, और जड़ूला उतारेंगे तो फिर उसका जो बाल चले जाएंगे, उसके बाद विटामिन डी का जो सपोर्ट मिलता है, ब्रेन जबरदस्त तरीके से डेवलप होता है। जड़ूला इसलिए उतारना चाहिए। कितनी माताओं को पता था, अब आपके बच्चों को बताइए, जिसने जीन्स पहनी है, जिसने टी शर्ट पहनी है,
बताइए उसको कि कैसे कैसे जड़ूला नहीं उतारेंगे ये जड़ूला, क्योंकि जब बच्चों के डेवलपमेंट की बात आती है, बड़ी अच्छी कही कलेक्टर मैडम ने बात, आपको तो अब सपोर्ट भी मिल जाता है हस्बैंड लोगों का कि वो तो डायपर भी बदल देते हैं, बच्चों को भी संभाल लेते हैं, पेरेंट्स मीट में अब तक आप ही जा रहे हो। लेकिन अगर ये बात है तो अब ये बदलाव कहाँ से आना चाहिए? ये बदलाव, फिर से एक बात कहूँ, ये बदलाव आना चाहिए सिर्फ अपने आप से, अपने आप से ये बदलाव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बदलाव कहाँ से आएगा, सबसे पहले बदलाव कौन लाएगा? और बहुत बड़ा नहीं लगता है इसके लिए, अब अगर आप कोई कहे कि मुझे बहुत बड़ी समाज सेवा के लिए बहुत बड़े पैसे लगेंगे, कैसा लगेंगे, कैसा, कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, सिर्फ इच्छा शक्ति लगती है। अगर हमारे भीतर ये इच्छा शक्ति है तो इस धर्म को, इस देश को, इस समाज को, इस परिवार को, और हम अपने आप को बचा सकते हैं, एक उन्नति की ओर लेके जा सकते हैं, एक आदर्श निर्माण कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा राजा हम अब हमको मिला है इस देश को चलाने के लिए, कम से कम उनकी एक एक बात को समझने के लिए, कितने सैकड़ों सालों से हम लड़ रहे थे उस राम को समझने के लिए, राम तो अब जाके समझ में आने की कोशिश कर रहे, समझा नहीं है, समझा नहीं है। जिस रामायण की कैकेयी को आज भी लोग विलन कहते हैं, अब जाके उसके ऊपर रिसर्च हुआ तो पता चला कैकेयी हीरोइन नहीं, कैकेयी तो हीरोइन है, विलन नहीं है, हीरोइन है। क्योंकि राम को सबसे ज्यादा चाहने वाली कौन थी? कैकेयी। और कैकेयी ने क्या काम किया? कैकेयी का एक युद्ध हुआ था, कैकेयी योद्धा भी थी, राजा दशरथ के साथ जब युद्ध लड़ने गए थे तो उनका युद्ध हुआ था बाली के साथ, और बाली के अंदर एक शक्ति थी कि भाई आधी शक्ति खींच लो, आधी शक्ति खींचने के बाद दशरथ का हारना निश्चित था। जैसे ही दशरथ राजा हार गए, बाली ने शर्त रखी, या तो कैकेयी को छोड़ के जाओ या फिर मुझे तुम्हारा मुकुट दे दो। निर्णय हुआ कि मुकुट दे दिया जाए, कैकेयी को छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा, क्या जवाब देंगे? कैकेयी को लेकर आ गए, लेकिन कैकेयी के मन में था कि मुझे बचाने के लिए राजा ने अपना मुकुट वहां पर रखा है। और जैसे ही उनको पता चला कि राजा राम अभी पद पर बैठने वाले हैं, उसके बाद ये संभव नहीं है, तब जाके उन्होंने राजा राम से जाकर कहा, राजा तो बाद में बने, राजकुमार राम से जाकर कहा कि मेरे मन में ये पीड़ा है और अपना मुकुट है वो वहां पर है, और राम तुमको ये काम कर रहा है कि तुम बाली से ये मुकुट वापस लेकर आ जाओ, बाली से ये मुकुट, और ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। और उसके बाद उसने वो तांडव किया। कैकेयी माँ बहुत होशियार थी, आप लोग बहुत होशियार हो, क्योंकि आपके अंदर एक योद्धा भी है और ममता का सागर भी है। और जब ये ममता का सागर है तो इस ममता के सागर से, ये मैडम ने आज बड़ा अच्छा दिया कि मैं बाहर हूँ तो एक योद्धा हूँ, कलेक्टर के सीट पर बैठे हूँ तो स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन अंदर जाते से ही मेरा रूप बदल जाता है। माता तेरे रूप अनेक, आपके कितने सारे रूप है, कितने सारे रूप, कितने सारे रूप। लेकिन ये सारी बातें कहाँ से होगी? आज भी वक्त नहीं गया है, आज भी वक्त नहीं गया है, वक्त आज भी हमारे साथ है। अगर हम चाहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, एक एक व्यक्ति अगर ये सोच ले, आप में से कितने लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं? मैं आसान तरीका बता दूं, हाथ भी नहीं उठ रहे। हाँ उठ रहे, उठ रहे, गुड गुड गुड। अगर ये जज्बा आपके अंदर है तो मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूं, 168 रुपए अगर आपके पास है, ज्यादा नहीं, 168 रुपए, सिर्फ 168 रुपए, 168 रुपए आपके पास है और जरूरतमंद एक व्यक्ति आपके पास पहुंचा या कोई दो चार व्यक्ति या संगठन पहुंचे और उनको केवल 7 रुपए चाहिए, आप देंगे या नहीं देंगे? कितने लोग देंगे जरा आवाज लगा दो। अरे वाह 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 वाह, सभी देंगे। चलो 168 रुपए आपके पास है और मेरे जैसा एक व्यक्ति पहुंचा जिसको 7 रुपए की जरूरत है, या संगठन जैसा एक व्यक्ति पहुंचा जिसको 7 रुपए की जरूरत है। कैलकुलेशन बड़ा आसान है, एक दिन में घंटे कितने हैं? 24। एक हफ्ते के घंटे कितने हैं? 168। 7 दिन में 168 घंटे, रोज का अगर 1 घंटा दो तो आपको 7 घंटे देना है, रोज का 1 ही घंटा देना है। अब रोज का 1 घंटा ये देना कैसे है, ये देना कैसे है? ये भी बड़ा आसान तरीका है। जो व्यक्ति रिटायर्ड हो चुके वो अभी भी उतना काम कर सकते हैं। अगर मान लो मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ और मैंने संस्कृत से रिटायरमेंट ली, तो अब मैं, अभी तक तो मैंने उसको मेरा प्रोफेशन भी समझा और विद्यादान भी समझा, जो भी मैंने मेरी सेवा से किया वो किया। लेकिन आज के बाद अभी मुझे गवर्नमेंट की पेंशन मिलने वाली है, 2 मिनट के लिए नहीं भी मिलने वाली है, लेकिन अब मेरा काम बनता है कि यहां से मेरे प्रारब्ध दुरुस्त होने का और एक मौका मुझे मिल गया। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, जिन बच्चों की सीखने की इच्छा है या जिन बच्चों की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ खर्चा करें, लेकिन तीव्र इच्छा है, आप जाके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ 1 घंटा मार्गदर्शन करो, निःशुल्क। आपका मन भी लगा रहेगा, आपके मन के साथ साथ आपकी हॉबीज भी पूरी होगी, क्योंकि आपकी उसमें मास्टरी है, और ये मास्टरी के साथ साथ वो बच्चे वो संस्कृत भाषा जिसको हम लुप्त होने की बात कर रहे हैं, उस संस्कृत भाषा को सीखेगा। और ये संस्कृत भाषा का फायदा बहुत ज़्यादा है, जब हम श्लोक पढ़ते हैं हमारी जीवा, हमारे उच्चारण बहुत क्लियर होते हैं, जिष्टमत की काढ़ी खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि संस्कृत का श्लोक 1-2-3 बार जो भी है आपके श्लोक जो आते हैं वो,
अब जिसको संगीत आता है उसने संगीत की क्लास लेना है, जिनको कबड्डी आता है वो कबड्डी सिखाए, जिनको क्रिकेट आता है वो क्रिकेट सिखाए, जिसकी जैसी मास्टरी है, किसी का एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टरी होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन सिखाए, और ये सारा अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से ये बदलाव यहाँ से होना शुरू होगा। अभी भी हमने हमारे कॉलोनी में एक काम किया था, कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं और हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत होती है, वो तीसरे घर से बच के रहना बहुत खतरनाक है, ये हम ही बोलते रहते हैं, ये हम ही करते रहते हैं। होली के समय का समय था, मैं भी वहाँ पर खड़ा था होली जलाने के लिए, फिर मुझे ध्यान आया कि हम लोग जब रास्ते से चलते हैं हमारा पड़ोसी मिलता है तो हम उसको जय श्री कृष्ण भी बोलते नहीं, जय श्री राम भी बोलते नहीं, चुपचाप निकल जाते, वो भी चुपचाप, कभी तो भी साल में दशहरे दिवाली को जाके मिलना होता बस उतना ही। तो मैंने बोला ये सिस्टम तो गलत है, अगर मेरे पड़ोस से वो व्यक्ति जा रहा है तो मुझे तो रुकना चाहिए, मुझे तो उसको बोलना चाहिए, पूछना चाहिए कुछ काम है क्या। तो ऐसे वक्त फिर मैं वहाँ पर खड़ा हो गया और फिर जो जो हमारे कॉलोनी में गुजराती भी है, पटेल भी है, महाराष्ट्रीयन, कोकणस्थ ब्राह्मण है, देशस्थ ब्राह्मण है, माहेश्वरी भी है, मैं खड़ा हो गया और वहाँ पे जो जो आते थे, जो जो भाभी आती थी उनको कहता था भाभी आपके यहाँ के ढोकले बहुत अच्छे बनते हैं, आपको ढोकले खिलाना है, भाभी आपके यहाँ की वो पाटोड़ी की सब्जी बहुत अच्छी बनती है वो खिलाना है। तो वो एकदम इकट्ठा हो गया कि क्या बात है, कोई इतना हक से मांग रहा है क्या बात है, एक एक करके जमा हो गए और उसी दिन डिसाइड कर लिया हर तीन महीने में एक मीटिंग लेंगे, हर तीन महीने में एक मीटिंग लेंगे, और हर तीन महीने में जब मीटिंग लेते हैं हम वो एक हल्का सा गेट टुगेदर करते हैं, हमारी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और कोई एक्सपर्ट को वहाँ पर बुलाते हैं और उनके विचार भी सुनते हैं। मैं बड़ी गर्व के साथ अमरावती में कहता रहता हूँ कि हमारी कॉलोनी ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर एक खर्रा खाने वाला व्यक्ति भी नहीं है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू तो दूर हो गई, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कॉलोनी में किसी का भी किसी के साथ झगड़ा भी नहीं है। आपके पास गाड़ी नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी आवाज़ दो आपके फोर व्हीलर तैयार, और ये अनुभव मैंने किया है, ये अनुभव मैंने किया है, समय रहा तो बताऊं नहीं तो नहीं बताऊंगा मैं। तो ये अनुभव हमने जब किया है तो मुझे पता चला कि हमारा वो जो एक माहौल बन गया वो इतना अच्छा माहौल बना, सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलते हैं ना, सिर्फ मैं खुश होने से कुछ नहीं होगा, मेरा अड़ोसी पड़ोसी सब खुश होना, मोदी जी भी तो इसी कार्य में लगे कि सबको खुश रहे, सब आजू बाजू के लोग भी खुश रहे तो सब खुश रहेंगे। अब ठीक है किसी के कल्पित दिमाग संस्कारी वैसे तो वो क्या कर लेंगे अकेले, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना, हमारी कॉलोनी में कर सकते हैं, हमारे परिवार में कर सकते हैं। मेरी बेटी की जब सगाई हुई थी तो मेरी बेटी ने, मेरी बेटी की शादी हुई थी, उसने कहा था कि पापा यहाँ पे ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम है। मैंने क्या हुआ, बोले आपस में भाई लोगों की बातचीत नहीं है ससुर जी। मैंने ठीक है, मतलब फिर क्या करोगे तुम, ये मैंने बेटी का नाम जानबूझ के लिया क्योंकि और का नाम लेना तो मुश्किल है, मेरे बेटी के घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी बता दूँ एग्जाम्पल के। तो मतलब फिर तुम क्या करोगे, ये यहाँ पर बैठी हुई अविवाहित बेटियाँ और यहाँ पर बैठी हुई माताओं के लिए भी ये संदेश है। तो मैंने बोला फिर क्या करोगे, तो बोले मैं यही तो पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ। मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उस बच्ची को पूछा मैंने तुम क्या करती हो, तो उसने बताया मैं संगीत पढ़ाती हूँ और मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, ये वो अलग अलग आइटम बना। मतलब सिंपल, बहुत अच्छा आसान तरीका है। क्या करोगे, कुछ नहीं करो, एक बहुत अच्छी सी डिश बनाओ और गाँव में जितने तुम्हारे हैं ना वो दोनों चाचा मामा जो भी होंगे उनके यहाँ पर अपनी डिश बनाई हुई भेज दो, देखो रिलेशन बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा। और हकीकत में बताऊँ उस लड़की ने फ़ोन पर मुझे 6 महीने के अंदर बताया हमारा परिवार का गेट टुगेदर चलना है और एज ए गेस्ट करके आपको आना है। ये बात उसके मतलब पहले से जहन में थी कि मैं परिवार को जोड़ू कैसे। और यहाँ पर कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता, मैं यहाँ की बात ही नहीं करता, यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो बात ही, लेकिन बेटी से बात करते वक्त कई हुई हो, कई करियो, कई जिमी, कई नहीं, कई नहीं, कुछ नहीं, ये बातें बेकार की, ये बातें करना ही नहीं चाहिए। ये परिवार को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि आगे हमको समाज को जोड़ना है। समाज को अब कैसे जोड़ेंगे, समाज को जोड़ते वक्त हम क्या करेंगे, जितनी रूढ़िवादी परंपराएं हैं उसमें की जितनी कुछ आउटडेटेड अगर हुई है तो वहां पर ब्रेक करो, अंधश्रद्धा के साथ वहां पर रुक जाओ। अंधश्रद्धा हमारे साथ साथ चलते रहती है। वो ऐसे पूछेंगे सासू जी को क्या हुआ तो बोलेंगे मालूम को नहीं, हमारी सासू करती थी। मैं शायद पीछे महेश नवमी को आया तो एक छोटी सी कहानी आपको सुना के गया होगा पता नहीं, लेकिन फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। श्याम भाई साहब, मैं एक बार अमरावती से नागपुर जाने के लिए लाइन में, बस की लाइन में खड़ा था, बस की लाइन में खड़ा था तो सारे लोग ऐसे ऊपर देख रहे थे, 10-12 बस आने की थी तो मैं भी खड़ा हो गया, मैं भी ऊपर देखना शुरू किया। थोड़ी देर से मुझे ध्यान में आया कि ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा, ये लोग देख क्या रहे। मैंने सामने वाले से पूछा कि भाई साहब आप क्या देख रहे, तो बोले मेरे सामने वाला देख रहा इसलिए मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड। मैं उसके सामने वाले को पूछा मतलब भाई साहब आप क्या देख रहे हो, तो बोले वो सामने वाला देख रहा है इसलिए मैं देख रहा हूँ। मतलब वेरी गुड। फिर मैं इसे पूछते 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 नंबर एक पर पहुंचा और उसको पूछा भाई साहब आप देख क्या रहे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोले मैं कहाँ देख रहा हूँ, मेरी तो गर्दन ही ऐसी है। हमारे 30 त्योहारों के मामले में ऐसा ही होता है। तो हमारे 30 त्योहारों के मामले में अभी गूगल सर्च मारिए, बुजुर्गों से डिस्कशन कीजिए, पता कीजिए कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। शादी में जितनी ये होती है ना आपकी विधियाँ जितनी होती हैं, उस एक एक विधि के पीछे बहुत बड़ा महत्व है, उसके ऊपर संस्कार होते हैं, उन संस्कारों का पता कीजिए।
कि हल्दी लगी तो हल्दी क्यों लगी, इस वक्त फेरे हुए तो फेरे क्यों हुए, फेरे में यही मंत्र क्यों बोला गया, और मंत्रों का उच्चारण सही है या नहीं वो भी चेक करना जरूरी है। अगर गलत उच्चारण होगा तो गलत उच्चारण का गलत प्रभाव भी पड़ सकता है, तो शुरुआत यहां से करनी चाहिए। मैं समझता हूं, हाँ ठीक। तो ये परिवर्तन कहां से आएगा, मैं परिवर्तन की बात कर रहा था, ये परिवर्तन आएगा अपने आप से। जब मैंने देखा कि मेरी मिसेस का देहांत हुआ 2016 में, 12 दिन मनाने की बात आई, घर में चर्चा चली, हमारे बाबूजी भी बड़े आधुनिक विचारों के थे, उनसे चर्चा चली, तो बाबूजी ने कहा तुम क्या करना चाहते हो। मैं और बाबूजी बिल्कुल एक फ्रेंडशिप का नाता था, उम्र में हमारे डिफरेंस था 30-35 साल का, लेकिन नाता बड़ा फ्रेंडशिप का था। वो साहित्यिक थे, आधुनिक विचारों के थे, इसलिए प्रैक्टिकल भी थे, तो बड़ा अच्छा मतलब जम जाता था। मतलब बाबूजी मुझे ये सारी बेकार की बातें लगती है, इसके पीछे का मुझे अर्थ समझना है और अर्थ समझ के मुझे करना है, अदरवाइज मुझे नहीं करना है। बाबूजी ने और हमने डिस्कस किया, 3 दिन में हमने वो सारे प्रोसीजर खत्म कर दिया। अब कई समाज में होता है 3 दिन में होता है, उसके पीछे भी साइंस है, इसके पीछे भी साइंस है, हमारे 12 दिन के पीछे भी साइंस है। तो बोले फिर क्या करोगे, मतलब ये 12 दिन में मैं मेरी बहन बेटियाँ जितने रिश्तेदार हैं उनको ही खिलाता हूँ, जो ऑलरेडी बहुत सारे सक्षम है उनको हम कभी भी खिला सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सक्षम नहीं है या जिनको जिसकी ज़रूरत है उस ढंग से हम 12 दिन मनाएं। तो बोले क्या कल्पना है तुम्हारी। तो मैंने कहा कि मैंने धर्मपत्नी जी के 15 आइटम निकाले थे, उनको क्या क्या पसंद था। मतलब बाबूजी ये मैंने 15 चीज़ें निकाली हैं जो उनको पसंद था। किसके लिए कर रहे हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, आत्मा की प्रसन्नता के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, वो जो आत्मा है जो दिवंगत आत्मा है जिसने शरीर छोड़ दिया उसकी शांति के लिए। तो फिर उसके मनपसंद का करेंगे तो ही ठीक लगेगा, तो ही उनको अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने उस वक्त ये कहा कि मैंने ये 15 चीज़ें हैं। तो बोले अब क्या करना है, मैंने एक एक चीज़ एक एक महीने में करेंगे 12 चीज़ें, और ये 12 चीज़ें उस ज़रूरतमंद तक पहुँचेगी। मिसेस को कैडबरी बहुत पसंद थी लेकिन खाती नहीं थी, तो हम उस स्लम एरिया में चले गए जहाँ पर कैडबरी की ऐड देखते हैं बच्चे लेकिन खा नहीं पाते, सबको कैडबरी बांट दो, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। फिर एक स्कूल में चला गया, ठंडी का समय था, दिसंबर का महीना था, जहाँ पर पता चला कि बच्चों के फटे हुए कपड़े हैं, यहाँ तो स्वेटर बहुत दूर की बात है, वहाँ की संख्या ले ली, कितनी है संख्या, 67, लड़के कितने लड़कियाँ कितने, उनके साइज़ क्या, बस उतने स्वेटर खरीदे और उनको दे दिए, 1 महीने का प्रोग्राम ये हो गया। ट्रेन जाती है, 20 रुपये की बॉटल खरीदने की ताकत नहीं है क्योंकि 20 रुपये में तो कैसे तो भी जनरल बोगी में अपना जगह पकड़ के बैठता है आदमी, वहाँ पर पानी की सेवा चलती है तो वो पूरी सेवा ले लो एक दिन की, हो गया। ब्लड डोनेशन में मेरी मिसेस को बहुत इंटरेस्ट था और उसी की वजह से मैंने भी ब्लड डोनेट करना शुरू किया। हमने दोनों ने 7 बार किया, उन्होंने 29 बार किया, मेरा 72 बार हो गया, केवल उनकी महिमा। तो आखिरी में जब वर्ष श्राद्ध की बात आई तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम करना है कि जो रक्तदान शिविर हो लेकिन ये हरदम स्मरण रहे। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि भाई तुम्हारे पास क्रिएटिविटी बहुत है, ये रक्तदान शिविर मुझे लेना है अंतिम, क्योंकि 12वां महीना है, 11.5 महीने हो जाते वर्ष श्राद्ध है, तो अभी इसमें क्या करेंगे। तो बोले आप क्या करना चाहते हो, मतलब अभी समय कम बचा है क्या करेंगे, मतलब सर्टिफिकेट बनवाएंगे कुछ, अभी और कुछ बचा नहीं मेरे दिमाग में कुछ। तो बोले तुम्हारी मिसेज की फोटो वो अपने घर में क्यों लगाएगा, मतलब बहुत अच्छी बात है ये तो करेक्ट है, नहीं लगाएगा, मतलब फिर क्या किया जाए। फिर इमीडिएट ध्यान में आया, अरे अपनी फोटो तो लगाएगा ना, तो मैंने इमीडिएट फिर 2 कैमरा वाले 2 कंप्यूटर वाले हायर की और उनको कहा कि सर्टिफिकेट का डिज़ाइन बना दो, जो ब्लड दे रहा है उसकी फ़ोटो खींचो और उसकी फ़ोटो उसी पे सर्टिफिकेट पे पेस्ट करो और वहीं के वहीं प्रिंट निकाल के दे दो। ये तो हो गई एक बार, लेकिन उनकी मरणोपरांत रक्त तुला की, क्योंकि उस व्यक्ति का उस आत्मा का उसमें बहुत ज़्यादा जीव था कि मेरी ये सेवा होती रहे, मेरे जो रक्त जा रहा है, क्योंकि रक्तदान ये ऐसा दान है कि निस्वार्थ है, समाज सेवा वहाँ से भी होती है, फिर से आपके 24-48 घंटे में फिर तैयार हो जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और किसको जा रहा है ब्लड ये आपको पता नहीं है, तो आपका तो निस्वार्थ काम हो गया, और निस्वार्थ काम की तो बात होती है। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि 124 बोतल हमको चाहिए थी, 185 बोतल हुई और मरणोपरांत रक्त तुला हमने की और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ये बात को दर्ज कर दिया। परिवर्तन कहाँ से आया, परिवर्तन यहीं से आया। और ये परिवर्तन कौन कौन लाएगा, ये परिवर्तन आप में से बैठा हुआ एक 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 व्यक्ति लाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ से जाना है, कैसे करना है, मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या, ये सब जब आप करेंगे तो ये परिवर्तन समाज में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समाज सेवा भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रोज का 1 घंटा कितने लोग निकाल सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए निकाल सकते हैं, ये समझने के लिए निकल जाओ कि सवेरे कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, और नहीं कम से कम तो धर्म का प्रचार कर लो, वो तो कर सकते हैं, नहीं कम से कम तो धर्म का प्रचार कर लो, नहीं कम से कम तो धर्म की जागृति लेके आ जाओ, नहीं कम से कम तो हमारा समाज क्या है और हमारे समाज की महत्ता क्या है हमारे बच्चों को लेके बैठ जाओ, और नहीं कम से कम तो 1 दिन का क्लास ऐसे ले लो, एक्सपर्ट को बुला लो, और एक्सपर्ट और युवा लोग भी ये काम कर सकते हैं। युवा लोग क्यों जुड़ नहीं रहे,
युवा लोग नहीं जुड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि उनको हर जगह जाना है, हम किसी को साथ में, मेरा बेटा ही मुझे, मैं कहता है कि मैं बेटा चलो ना यहाँ पे, तो पापा मैं नहीं चलूँगा, और मैं भी बड़े आसानी से कहता अच्छा ठीक है तुम घर पे रहो, मैं अन्नकूट का प्रसाद मैं अटेंड कर लेता हूँ, क्यों मैं साथ में लेके नहीं जाता हूँ? अगर मैं साथ में लेके जाऊँ तो 10 लोगों से परिचय होगा, वो देखा कि उसके पिताजी यहाँ पर परोसदारी कर रहे हैं, वो भी परोसदारी करेंगे, क्यों कैटरिंग सेवा ज़रूरत है? कैटरिंग सेवा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये सब अगर बच्चे हमारे साथ, लेकिन हमने भी हमारे बच्चों को खुला छोड़ दिया, हमने हमारे बच्चों को जब खुला छोड़ दिया तो बच्चे भी स्वतंत्र हो गए, बच्चे स्वतंत्र हो गए तो वो भी समझना नहीं चाहते, और सारा के सारा कमर्शियल हो गया, हर चीज़ कमर्शियल हो गई, और ये कमर्शियल हमको टीवी पर सिखाया जा रहा है और हम वो सीख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अभी एक उन्होंने किस्सा दोहराया, एक आपको बात बताई, सहारा के जो थे सुबोत्र, उन वही बेसहारा हो गए कि उन्होंने 500 करोड़ शादी में 2005 में खर्चा किए थे, जो सबसे हाईएस्ट शादी थी इंडिया की, और उसके बाद बच्चे भी नहीं आए, बीवी भी नहीं आई, दोनों बच्चे नहीं आए, बताइए क्या। और आज हमारे यहाँ पर आंसू हम डाल रहे, ये जो है हृदय का बंधन है, ये हृदय का बंधन तोड़कर सारी के सारे व्यवहारिकता में चले गए, और इसी को हमको फिर से एक बार जीवित करना है। आप अपने बच्चे को जब भी वो आता है आप उसको गले लगाइए, आप गले लगाइए उसको, आप कहिए बच्चा मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, आज तुमने क्या अच्छा काम किया बताओ, ये नहीं कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया वो नहीं किया, कंप्लेंट छोड़ दो। काउंसलिंग के लिए इतनी केसेस आती है कि पति पत्नों के संबंध की उम्र भी कम हो गई, 3 महीने शादी नहीं होती और हो गई, सगाई होती नहीं उसके पहले, शादी के पहले टूट जाती, और एक केस तो ऐसी कि 20-22 साल हो गए शादी के बाद, 22 साल के बाद में डिवोर्स लेना है। तो दो समस्याएं हमारे समाज के भीतर बहुत ज़्यादा रूप से चल रही है, और ये दोनों समस्याओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके पास काम करने के लिए बहुत कुछ है, कम नहीं है, बहुत कुछ है। अब यहाँ पर अगर मैं ये बात कहूँ तो शायद गलत भी नहीं होगा, एक हमारा तेजस्विनी प्रोग्राम चलता है, तेजस्विनी में हम उन लड़कियों को लेते हैं साथ में, उन लड़कियों को साथ में लेते हैं जो जस्ट अभी 12-13 साल की हुई है, और यहाँ पर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होगा, और यहीं पर सबसे बड़ा अटैक उनके ऊपर होता है, और उस अटैक को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब इसी अटैक से उनको बचाने के लिए एक तेजस्विनी प्रोग्राम हमने डिजाइन किया जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है, एक्सपर्ट को बुलाते हैं ऑल ओवर इंडिया से, जो जो जिस चीज चीज का एक्सपर्ट है उसको बुलाते हैं, और उसके बाद मेरा दावा है, उसके वो प्रोग्राम के बाद मेरा दावा है, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं ये लव जिहाद से रिलेटेड प्रोग्राम है, और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं ये सेशन मैं खुद लेता हूं, और उसके बाद मेरा दावा है कि वो लड़की इस धर्म के बाहर, समाज के बाहर शादी करने की सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, क्योंकि रियल फैक्ट उनके सामने है। परसों के दिन का, मैं निकलते निकलते अभी कल अमरावती से निकलते निकलते 2 घंटे एक व्यक्ति आके बैठे थे, एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनके यहाँ पे एक प्यून काम करता था, उसकी लड़की 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, किसी शाहरुख नाम के व्यक्ति से इंस्टाग्राम पे मुलाकात हो गई, और इंस्टाग्राम पे मुलाकात होने के बाद उसने कहीं बुला लिया, नागपुर में कपड़े दिला दिए, ये दिला दिए, चॉकलेट खिला दिया, चॉकलेट खिलाने के बाद ट्रेन में बिठा दिया, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुँची तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, वहाँ पर देखा तो पुलिस सामने, क्योंकि तब तक विश्व हिंदू परिषद और भी लोग कार्यकर्ता वहाँ पर एक्टिव हो गए। समाज कार्य करने के लिए कुछ और चाहिए ही नहीं। आप सोचिए जिन जिन चीज़ों की कमतरता हमारे पास महसूस होती है वो सारी चीज़ें एक नोट बना दीजिए कि मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या देना है, मेरे बच्चों में कहाँ कौन सी कमी है, और वो सारी क्लासेस यहाँ पर चलती है। मैं तो कहता हूँ कि युवा वर्ग अगर है तो वो भी अपना युवाओं को युवतियों को जोड़ने के लिए आप हर महीने एक प्रोग्राम ले सकते हो। 1 महीने में सिखाइए संस्कार क्या चीज़ होते हैं, 1 महीने में सिखाइए साइबर क्राइम क्या होता है, 1 महीने में सिखाइए लोन एप्लीकेशन कैसे करते हैं, 1 महीने में सिखाइए और कुछ, 1 महीने में उनकी कला सिखाइए। ये एक एक चीज़ एक एक महीने में लेंगे, इसकी ट्रेनिंग देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके यहाँ तो इतने दानदाता है, ये सब आप करेंगे तो निश्चित रूप से उत्थान तो होगा, प्रगति तो होगी, समाज एकता होगी, समाज सेवा की भावना भी पैदा होगी। जब हम जो करेंगे हमारे बच्चे वो देखते हैं, वो बच्चे करते हैं, लेकिन हम टीवी के सामने नहीं हटेंगे। तेरी सास मेरी सास, सांस भी कभी बहुत थी। और मैंने कल पूछा था, मैंने मेरे क्लास में, मेरा योगा क्लास चलता है, तो मैंने इसे क्लास में एक सवाल पूछ लिया कि मैंने बोला महाराजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, उनका सीक्वेंस बताओ, तो 1-2 महिलाएं उसमें हाथ खड़ा करके जवाब देने की तैयारी में थी। मैंने बोला बिग बॉस में कौन जीत रहा बताओ, तो सारी की सारी तैयार हो गई। तो ये बिग बॉस से हटी है, हमारे घर की स्टोरी नहीं है ये, एकता कपूर हमारे घर की स्टोरी नहीं है ये, जितना जितना जो कुछ बताते हो हमारे घर की स्टोरी नहीं, क्यों उनकी स्टोरी में हमको जाना है? हमारे पास इतना सारा समय है कि ये इडियट बॉक्स से दूर हो जाइए। ये इडियट बॉक्स हमको हमारे समाज से दूर कर रहा है, हमारे परिवार से दूर कर रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि सिंगुलर फैमिली होते जा रहे हैं, और सिंगुलर फैमिली होते जब जा रही तो बेटा भी बाप को नहीं। और इसीलिए दिल्ली में जो खुल गया कि 36,000 रुपये में हम अंतिम संस्कार कर देंगे, आपके आने की जरूरत नहीं है, क्यों खुला?
ये भी एक प्रोफेशन बन गया, हर चीज का प्रोफेशन बना, हर चीज का व्यवसायिक अनुकरण बना। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर ये सारा हुआ, लेकिन न तो वो ही हुआ न ये हुआ, न हम समाज में रहे न उधर जी। तो हमारे पास सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाता है वो ग्लोबलाइजेशन जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार आज भी हमारे बच्चों को जोड़ दें। और ये इंसान ही है, जानवरों में होता है वो सब कि जिस दिन माँ का दूध पीना बच्चा अलग हो गया उसके बाद किसी का किसी को रिश्ते का पता नहीं। लेकिन यहाँ पर, और मैं और एक चीज़ बात बताऊँ, बाकी सब जगह क्या होता है पता नहीं, लेकिन इंसान सब जगह माताओं का नाम है। हम घर में जब बिल्ली का बच्चा आ जाता तो हम क्या बोलते हैं, ये बिल्ली का बच्चा है, ये कुत्ते का बच्चा है, ये गाय का बछड़ा है, बोलते हैं गाय का बोलते क्यों, ये भैंस का क्यों नहीं बोलते, हम सांड का बच्चा है क्यों नहीं बोलता, बोके का बच्चा है। माँ को इम्पोर्टेंस है वहाँ पर, लेकिन हमारा ही एक समाज ऐसा होता है, पुरुष वर्ग ऐसा होता है, हम पिता का नाम लगाते हैं। क्यों पिता का नाम लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पिताओं का पता नहीं होता, यहाँ पे पिता का पता है और ये मेरी माता का सम्मान है इसलिए मैं मेरे पिता का नाम लगाता हूँ। बताइए बच्चों को ये सारी बातें बताइए, और ये सारी बातें जब हम लेकर हम आपस में डिस्कस करेंगे, ऐसे चर्चा सत्र करेंगे, आप कर सकते हो, किसी एक एक्सपर्ट को बुला लो और बाकी सारी महिलाएं बैठकर, बाकी सारे पुरुष बैठकर अपने जितने जितने मन में प्रश्न है अभी भी हम वहां पर जा सकते हैं। मैं फिर से एक बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि अब हमारे देश की परिस्थिति बदलने जा रही है, कहां से कहां तक पहुंच गए हम, और भी आगे जाने की पूरी, लेकिन अब हमारा साथ वहां पर होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमारे मन की मजबूती, हमारे परिवार की मजबूती, फिर हमारे समाज की मजबूती, और उससे होगा हमारा ये देश मजबूत, और जिसको हम भारत माँ कहते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे फिर से चंद महीनों के अंदर आपने बुलाया, मेरा समय समाप्त होते जा रहा है, 2400 सेकंड होते जा रहे हैं, मैं अपने वाणी को यहां पर विराम दूंगा। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, खास करके राजस्थानी महिला मंडल लातूर, जो बहुत समय से मेरा संवाद इनके साथ चल रहा था, मैं वहां उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं इनका आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब तक मेरी मिसेज जीवित थी वो मेरे भाषणों में चलती थी और मेरे साथ घर में, वो भी इतना शांति से नहीं सुनती थी जितना शांति से आपने सुना। जय हिंद जय भारत। बहुत खूब साहब, आपने अपनी संस्कार संस्कृति को लेकर राष्ट्रप्रेम के भावनाओं की चेतना को जागृत करने का बहुत सुंदर प्रयास आपने यहाँ पर किया है। समाज के उत्थान के लिए आपके प्रयास प्रशंसनीय हैं। सामाजिक समस्याओं को लेकर समाज के प्रति जिम्मेदारियों का यहाँ पर बोध करवाया। सामाजिक परिवर्तन की धारा पर आपने अपने अनुभवों को यहाँ पर साझा किया। आप जैसे प्रेरक लोग हमारे मेहमान हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपके विचारों ने हमारी प्रेरणा जगा दी। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारी अपनी कुमुदिनी जी भार्गव को। कुमुदिनी जी भार्गव, लोगों को मनाना, अनकहे अंदाज में प्यार को जताना, ऐसा होता है परिवार रूपी खजाना। इस परिवार रूपी खजानों में अनेक रिश्तों को हम निभाते हैं। इन रिश्तों में अगर समन्वय हो, समन्वय विचारों का, समन्वय एक दूसरों का, सम्मान देने का, तो यह रिश्ते निश्चित ही स्नेहल एवं सशक्त मजबूत बने रहते हैं और परिवार भी सुचारू रूप से चलते हैं। इस विषय पर सविस्तर वक्तव्य करेंगी कुमुदिनी जी भार्गव। इनका परिचय देने आमंत्रित करती हूँ हम आरती जी भंडारी को। पधारे हुए सभी महानुभवों का तथा सदन में पधारे हुए श्रोताओं का मैं राजस्थानी महिला मंडल की ओर से स्वागत करती हूँ। हम सबकी चाहती तथा राजस्थानी महिला मंडल की और लातूर शहर की आन बान शान ऐसी हमारी कुमुदिनी जी भार्गव, इन्हें कौन नहीं जानता। आपका विषय है समन्वय, दोनों का आधार परिवार का। सच मानो परिवार के बिना क्या है। आप एक उत्तम वक्ता हो, लेखिका, उत्कृष्ट कार्यकर्ता एवं संचलन में माहिर हो। राष्ट्रपति, अनेक मुख्यमंत्री, इनकी सभा में आपने प्रभावी सूत्र संचलन आप कर चुके हो। महाराष्ट्र भर
तथा अन्य प्रांतों से भी व्याख्यान के लिए आप निमंत्रित रहती हो। सामाजिक कार्य, पारिवारिक रिश्ते नाते, किशोरवयीन लड़कियों के लिए प्रबोधन आप करते हो। आप राजस्थानी महिला मंडल की विश्वस्त तथा अनेक संगठनों पर कार्यरत भारतीय स्त्री शक्ति नामक संगठन की आप राष्ट्रीय सचिव हो। लोक न्यायालय में न्यायाधीश के लिए निमंत्रित, आप नारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित, मराठी नाटिका एक कड़ी उमलताना इसके भी अनेक प्रयोग आपने आयोजित किए। आपके दो किताबों का भी प्रकाशन, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से दिल को छूने वाले, ऐसे चला नाती जपूया, दूसरा जरा यू का मनात, ये आपने मराठी तथा हिंदी में प्रकाशित किया। पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए सभी से मित्रता का भाव रखने वाली अष्टपहलू व्यक्तित्व की धनी कुमुदिनी जी पर हम सबको गर्व है। तो चलिए अब हम इनको सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आरती। अब अपनी और हमारे घर की कुमुदिनी जी भार्गव को जोरदार तालियों से इनका सत्कार करते हैं। आज के इस पारिवारिक मेले में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक नमस्कार। आज हम सभी का मन बहुत प्रसन्न है। राजस्थानी महिला मंडल के 35वें साल के उपलक्ष्य में ये जो आप सभी के उपस्थिति में आज का वार परिवार ये जो अधिवेशन होने जा रहा है, उसके द्वितीय सत्र में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। इस सत्र का विषय है समन्वय दोनों का, आधार परिवार का। दोस्तों, विषय महत्वपूर्ण है, चिंतन का है, हम सभी के मन के करीब का है, क्योंकि समन्वय ही अपने सुख की चाबी है। जहाँ समन्वय है वहाँ सुख है। पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में अगर हम समन्वय करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक क्या कहते हैं उसको, एक प्रतिष्ठा का हमारे लिए एक विषय बन जाता है कि हाँ, फला व्यक्ति समन्वय कर सकती है। अब ये समन्वय होता क्या है? समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, तालमेल, दो लोगों में तालमेल, परिवार में आपस में तालमेल, परिवार में उचित व्यवहार रखना, सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जानना, उसे समझ कर लेना, किसी के लिए स्वयं के दो कदम पीछे लेने की अपनी तैयारी रहना, अपने लोगों को उनके गुण दोषों सकट स्वीकार करने की चाहत रखना, मैं के बजाय हम की भूमिका लेने की हमारी तैयारी रहना, रिश्ते निभाने की तैयारी रहना, यानी में समन्वय रखना। अर्थात यह हमेशा एक ही व्यक्ति अगर करते जाए तो समन्वय होगा नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा, हर एक ने अगर अपना मन बना लिया तो समन्वय हो सकता है। यह बात शत प्रतिशत सत्य है कि एक माँ के पेट से जन्मे भाई और बहनों का भी समन्वय हर समय होना मुश्किल है, तो परिवार में सभी के साथ हमेशा समन्वय रखना बहुत कुशलता का काम है। एक दृष्टांत है, बहुत सुंदर है, जिन्होंने भी दिया है, बहुत सीधा साधा दृष्टांत है, अपनी रोज की व्यवहार का है, लेकिन जिन्होंने भी दिया है उनको नमन है। सोचिए, एक सुग्रास भोजन की थाल हमारे सामने लाई गई, खूब अच्छे चटपटे व्यंजन हैं, देखते ही मन प्रसन्न हो गया, नेत्रों ने भोजन को देखा, नेत्र तृप्त हो गए, नाक ने उसकी महक को महसूस किया, जिह्वा ने बगैर चखे ही उसे उसका आनंद आ गया, वो रसभरी हो गई। इन तीनों ने यह सुख संदेश मस्तिष्क को भेजा, दिमाग ने निर्णय लिया, चलो हम सभी मिलकर इसका स्वाद ले लेते हैं, आनंद ले लेते हैं। फिर हाथों ने क्या किया, निवालों के रूप में वो भोजन हमारे मुंह में रखा, दांतों ने उसे चबाया, अन्न नलिका ने उसे पेट तक पहुंचाया, पेट ने तुरंत उसका पाचन किया और हमारे सारे शरीर में उसने ऊर्जा पहुंचा दी।
ये जो इन लोगों का इन सारे अवयवों का समन्वय हुआ, इसमें एक भी अवयव ने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। नेत्रों ने नहीं सोचा कि मैं इस भोजन को देखता ही रहूं, हाथों ने नहीं सोचा कि मैं ही निवाले क्यों रखूं, दांतों ने नहीं सोचा कि मैं चबाऊं क्यों, पेट ने नहीं सोचा कि ये सुग्रास भोजन मेरे पास ही पड़ा रखूं। उसने तुरंत पचा कर हमारे सारे शरीर में उसकी ऊर्जा बिखेर दी। यह जो सभी का समन्वय हुआ उसकी वजह से हम तृप्त हुए, हमें बहुत मज़ा आया। ठीक यही तालमेल अगर परिवार में हो तो व्यक्ति तथा परिवार को आनंदित होने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी खुशी, मेरी अभिलाषा, मेरी मर्यादा, ये सब ठीक है, लेकिन मेरा मेरे प्रति और मेरे परिवार के प्रति उत्तरदायित्व, इन भावनाओं में समन्वय अगर आ जाए तो हर एक व्यक्ति सुखी हो सकता है और वही परिवार का आधार बन सकता है। आज के अधिवेशन की थीम ही है आज का वार परिवार। तो चलिए हम आज अपने परिवार के रिश्तों में समन्वय कैसे रहे उसकी बात करते हैं। पारिवारिक रिश्तों में समन्वय, उसके साथ में ही एक महत्वपूर्ण समन्वय शिव और शक्ति का, यानी गृहस्थ और गृहिणी का एक विशेष रूप से समन्वय कैसा हो सकता है, इसकी बात हम करेंगे। समन्वय की बात के पहले हम थोड़ा सा आज के परिवेश की बात करेंगे, क्योंकि आज का परिवेश ही इतना बदल चुका है कि जिसके कारण आज समन्वय की कितनी आवश्यकता है इसका हमें पता चलेगा। वैसे आज की स्थिति से हम भलीभांति जानते हैं, कोई अनजान नहीं है। आज हुआ क्या है तो गतिशील समय के साथ अपनी गति बहुत तेज़ हो गई है। विभक्त परिवार आ गए हैं, रहन सहन, खान पान, बच्चों की परवरिश में अमूलाग्र बदल आ गया है। समर्पण वृत्ति का कमज़ोर हो जाना, त्याग के बजाय भोग की अभिलाषा, समझौता करने की भावना को नकार, आत्मकेंद्रित वृत्ति, हर उम्र के लोगों पर मैं, मेरा और मुझसे, इन्हीं भावनाओं का तथा शब्दों का बढ़ता प्रभाव, मोबाइल पर घंटों बातें करने वाली हमारी वाणी घर के लोगों के साथ गूंगी हो जाती है तो संवाद की कमतरता आ जाती है, और इन सभी का हम सभी के रिश्तों पर नकारात्मक परिणाम हो रहा है, यह बात अत्यंत सत्य है। सब अधीर, हमारे पास धीरज ही नहीं, यानी कि आज अभी इसी वक्त सारे सुख सारी तमन्नाएं मेरी पूरी होनी ही चाहिए, इस भावना से हम सभी थोड़ा सा आत्मकेंद्रित तो हो ही गए हैं, लेकिन साथ में औरों से अपेक्षा करते करते हम स्वयं का कर्तव्य भी भूल रहे हैं। क्रोध बढ़ गया है, क्षमाशीलता कम हो गई है, केवल स्वयं के उन्नति की लालसा हमारे मन में है। स्वयं की उन्नति करने में कोई खोट नहीं, वो अपना निजी अधिकार है, लेकिन अब तक हमें उन्नत करने में कितने लोगों का सहकार्य मिला है इसका भी तो जायजा हमें लेना चाहिए। माँ ने हमें जन्म दिया, पिता ने हर बात हर ज़रूरत हमारी पूरी की, परिवार के हर एक ने हमें पाला पोसा, अध्यापक ने हमें शिक्षा दी, समाज ने सुरक्षा दी, बुजुर्गों ने जीवन मार्ग की पगडंडी बनाई, महात्माओं ने जीवन विचार दिया, सभी से मिले अनुभवों से हम संपन्न हुए। फिर बताइए कि इतना इतनों से हमने पाया, फिर हम अकेले स्वतंत्र कैसे हैं? स्वतंत्र तो है, लेकिन सिर्फ स्वतंत्र से हम कैसे चल सकते हैं? जितना हमने सभी के पास से लिया है उसने में से तो थोड़ा तो हमें किसी को देना चाहिए, थोड़े त्याग थोड़े कष्ट हमें लेने चाहिए, लेकिन ठीक इसी भावनाओं को हम थोड़ा सा नकार देते हैं, कहीं ये भावना हमारे मन में आती नहीं, तब समन्वय छूट जाता है, विचारों का संतुलन हम खो बैठते हैं जिससे समन्वय छूट जाता है। ये एक दिन में नहीं हुआ, पहले हमारी मनोवृत्ति बदली, उसका परिणाम हमारे परिवारों पे हुआ और बदले हुए परिवारों की वजह से समाज बदला, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बिगड़ा दोस्तों। आज भी हमारे मूल संस्कार इतने मजबूत है कि अगर आज भी हम सोचें
कि मुझे मेरी परिवार की उन्नति करनी है, मुझे मेरे परिवार को सुखी रखना है, समन्वय रखना है, तो आज भी यह सब पॉसिबल है। सिर्फ अब कहीं सुधरी वो तो या नहीं चाली, ऐसे नकारात्मक भावों को हम नकार दे। मुझे खुश होना है, मुझे मेरे परिवार को खुश रखना है, ये समन्वय का भाव अगर आज हम रखें तो निश्चित रूप से परिवारों के सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो चलते हैं अब हम परिवार की ओर, क्योंकि परिवार ही हमारा आधार है। संक्षिप्त में देखते हैं हर रिश्ते की डोर, बहुत संक्षिप्त में देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है पहला सत्र जो थोड़ा सा लंबा हुआ उसके बाद अनिल जी भाई साहब ने इतना सुंदर समाज के बारे में बोला। अब हम रिश्तों की और समन्वय की बात करते हैं, फिर सुग्रास भोजन करना है और उसके आगे के सत्र तो इससे भी बहुत अच्छे हैं। तो चलते हैं हम परिवार की ओर। परिवार में सबसे पहले हम रिश्ता देखेंगे पिता और पुत्र का। सच देखा जाए तो पिता और पुत्र का एक शानदार रिश्ता है। दादाजी कल के परिवार के मुखिया थे, पिताजी आज के परिवार के मुखिया है और पुत्र कल के परिवार का मुखिया बनने वाला है। कुछ सालों पहले, दशकों पहले संयुक्त परिवारों में कोई भी पिता अपने बच्चों को बड़ों के सामने उसको दुलार नहीं सकता था, ले नहीं सकता था। आज जिनकी उम्र 60 के ऊपर है उनको पता है कि आप अपना टाबरा ना बड़ेरा का सामना आप खिलावता को नहीं, बेको लाड़ करता को नहीं। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। आज पिता और पुत्र बहुत पहले से एक दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं, अच्छी तरह से मस्ती कर लेते हैं, अच्छा समन्वय रहता है। लेकिन यह समन्वय पुत्र बड़ा होने पर भी अगर बकरार रहा तो वह घर अंदर से और बाहर से मजबूत होता है। लेकिन अगर युवा पुत्र थोड़ी काबिलियत पाते ही अपने पिता की सलाह मानने से इनकार करता होगा, उन्हें आदर देने से मुंह मोड़ता होगा, तो वन वे ट्रैफिक चलती नहीं। और पिताजी भी अपने बराबर के पुत्र को अगर उस पर भी विश्वास नहीं करते होंगे, अपनी उम्र होने के बावजूद भी अधिकारों का संक्रमण नहीं करते होंगे, तो समन्वय छूटना ही है। युवाओं का जोश और पिता का होश जब एकत्रित आ जाए तो पिता पुत्र के उस रिश्ते की गरिमा ही कुछ अलग है। ये होना चाहिए समन्वय के लिए। चलते हैं हम माँ बेटी की तरफ। माँ बेटी का रिश्ता अगर अपनत्व, विश्वास और संवेदनशीलता का नाता अगर उनमें हो, बेटी अगर बेझिझक अपने मन की बात अपनी माँ से साझा करती हो तो वो सोने पे सुहागा होगा। ना माँ चिंता में रहेगी, ना बच्ची भटकेगी। सही समय पर घरेलू काम, जिम्मेदारी का एहसास, ससुराल वालों को अपना ही मानने की सीख, उस परिवार में ढलने की सीख, कर्तव्य भावना का रोपण अगर माँ करे और बेटी वो सब माने तो निश्चित रूप से वह समन्वय बहुत सुंदर हो सकता है। होता ऐसा है कि पालक और बच्चे, यानी माता पिता और बच्चे, ये दोनों भी जनरेशन गैप का हवा बना लेते हैं। मैं कहूँ वही सच बोलते हैं, तब समन्वय छूटता है। उसकी अपेक्षा माँ और पिता ने उन्हें खुला अवकाश देना और युवाओं ने, बच्चों ने उस अवकाश का गैर जिम्मेदारी से फायदा नहीं लेना, अगर ये तालमेल होता है तो समन्वय निश्चित है। एक बहुचर्चित रिश्ता है जो सभी का चहता है, सास बहू का। सच पूछा जाए तो सास और बहू एक ही परिवार की, अलग अलग कार्यकाल की बहुएं ही होती है और इन दोनों का समन्वय घर को स्वर्ग बनाता है। लेकिन बहू का मन अगर मायके में ही अटका रहे और सासू का मन अपनी बेटी में ही अटका रहे तो समन्वय होगा कैसे? अपना जवाई अपनी बेटी को लाड़ लड़ाता है तब खुश होने वाली सासू माँ, अपना बेटा अगर बहू को लाड़ लड़ाता है तो मुंह क्यों फुलाती है? घर ससुराल में बैठी बहू मेरी माँ को, मेरी भाभी ने उसकी सेवा करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, ये अपेक्षा जब करती है, जब वो स्वयं की सासू का खुद ख्याल नहीं रखना चाहती, काम में भी आनाकानी करती है,
तो कैसे होगा? यानी कि इसमें जब ऐसी दोहरी भूमिकाओं में समन्वय को कोई स्थान ही नहीं रहता, मन हो तो काम करना, मन हो तो नहीं काम करना, ये नहीं चलेगा। सच तो ये है कि इन दोनों के भाव बंधन एक है, एक का बेटा दूसरी का पति, यानी दोनों की आँख का तारा एक ही है। लेकिन उस सासू का बेटा और उस बहू का पति जब इन दोनों के रवैये से खुद ही घट्टी में पिसता हो, तो मुझे बताइए समन्वय कहाँ से आएगा? ये सोचने वाली बात है। धीरे ये ससुराल में आई हुई बहू को वो जो 20-25 साल दूसरे घर में पली बड़ी है, तो यहाँ ससुराल में रमते रमते उसको थोड़ा समय लगेगा। ये धीरज सासू माँ के पास हो और बहू को भी, मैं आते ही इस घर की साम्राज्ञी नहीं बन सकती, मुझे कुछ कष्ट लेने पड़ेंगे, कुछ त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर मैं सबकी चहेती बनूंगी, ये स्वीकार उसको भी रहना चाहिए। मेरी माँ जब कहती थी तो वो मेरे भले के लिए था, फिर सासू माँ कहती है वो भी तो भले के लिए, ये क्यों ना सोचे? अपने घर की सलाह अपनी सासू माँ से ले, ना कि माँ से, तब वो घर शांत रहेगा। पूर्व ग्रह दूषितता के बगैर जब सास बहू का रिश्ता होता है तो बहुत सुंदर रिश्ता होता है, घर में समन्वय उन्हीं से बना रहता है। एक माखन मिश्री का नाता है दादा दादी और पोते पोती का, उनमें अगर समन्वय हो तो मानो दूध में शक्कर। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि काउंसिलिंग की मेज पे ये बहुत दफ़े प्रश्न आता है, अगर बीच वाली पीढ़ी चाहे तो ही यह समन्वय बन सकता है। बहुत से घरों में जब युवा बच्चे बहुएं अपने सास ससुर को या माता पिता को थाका लारला जमाना का काई भी चीज़ा माँ का टाबरा न शिकाओ नको बे ई जमाना न चाल न चलावा, ऐसे रोब जब युवा पीढ़ी करती है तो समन्वय खत्म हो जाता है, संस्कारों से बच्चे वंचित हो जाते हैं, बच्चे उदास और जो दादा दादी है वो भी उदास हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो काउंसलिंग का बताया उसमें एक बात बहुत दफ़े ऐसे करती है ध्यान में आती है कि कहीं हमसे ज़्यादा बच्चे दादा दादी के हेवे न हो जाए, यानी दादा दादी से प्यार न कर बैठे, ऐसी असुरक्षितता की भावना खासकर माओं में होती है। माएँ जब बाहर जाती है तो उन्हें अपेक्षा रहती है कि दादा दादी ने अपने बच्चों को संभालना चाहिए, लेकिन अन्य वक्त अगर दादा दादी कुछ बोलने जाए तो इनका मुंह फूल जाता है, यह कहाँ का न्याय है? एक बात हम ध्यान में रखेंगे, निश्चित पल्ले बांध लेंगे कि जैसा व्यवहार हम अपने बड़ों से करते हैं उसकी छवि बच्चे अपने मन में संजोते हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बड़ेरों के पैर छूने में भी जब आनाकानी होती है तो समन्वय कहाँ से रहता है? बाहर के बड़ेरों को पैर छुएंगे लेकिन घर में बड़ेरों के पैर नहीं छुएंगे। खैर, आपने उनके पैर नहीं छुए तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाला, क्योंकि संसार के भट्टी में तप कर वो तो सोना बन गए हैं, आप आशीर्वादों से वंचित रह जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाग्यवान है जिनके घर में बड़ेरे हैं, आप ना झुको तो भी वो आशीर्वाद देंगे, झुकोगे तो सुरक्षा कवच भी पाओगे कि जो आज की स्थिति में बहुत आवश्यक है। ऐसे समय में बुजुर्गों के तजुर्बों का सम्मान रखना ये पहल हो सकती है समन्वय की। साथ में ही बुजुर्गों ने भी ये विचार करना चाहिए कि अब ऐसे उम्र में हर वक्त हर बात में उनके सलाह की घर में आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यक है तब सलाह जरूर दे, ना है तो शांत रही है। लेकिन दोनों तरफ से ये समन्वय होता नहीं और फिर व्यवहार में रूखापन होता है और एक अदृश्य दीवार अपने इसमें बन जाती है। मुझे बताइए कि हम कहीं नौकरी पे जाते हैं तो वह सबके साथ हमारा समन्वय होता ही है क्या? हम कोई प्रोफेशन में रहते हैं तब सभी के साथ हमारी पटती है क्या? हम बिजनेस में हैं तो ग्राहक से लगाकर डीलर से लगाकर 500 लोगों को रोज मिलते हैं, उन सबके साथ हमारी जमती है क्या? हम संगठन में काम करते हैं, हर कार्यकर्ता का मनोमिलन होता ही है क्या? नहीं। लेकिन वहाँ हम क्षमाशील होते हैं,
हमारे मन में झट से ऐसा आता है कि उसका स्वभाव ही वैसा है तो हमें चुप बैठना बेहतर है, लेकिन यह क्षमाशीलता हम परिवार में नहीं रखते, क्योंकि पारिवारिक लोगों से हमें अपेक्षा रहती है और ज़्यादा अपेक्षा रखना समन्वय में खोड़े डालता है। जो बाहरी दुनिया में लचीलापन हम रखते हैं, वो थोड़ा बहुत भी अगर हम अपने घर में रखें तो निश्चित रूप से समन्वय होना ही है। मुझे लगता है कि अब सभी रिश्तों के बारे में कुछ बताने के बजाय कुछ प्रातिनिधिक प्रश्न हम आपस में करते हैं, उसका जवाब हमें कहीं नहीं देना है। हम हर उम्र के, हर भूमिका के अपने रिश्तेदारों को, हमको, आपको, मुझे, सभी को हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसके जवाब हम हमारे मन में ही देंगे और आत्ममंथन करेंगे। जो कुछ जवाब आएगा वह हमारा स्वभाव बताएगा कि हम समन्वय करने के अनुकूल है या नहीं। चलो हम ज्येष्ठों से शुरू करते हैं। अगर मैं घर में ज्येष्ठ हूँ, फिर मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ? प्रश्न ज्येष्ठों को यह है कि क्या मेरे पास क्षमाशीलता है? घर में अभी भी मेरा वर्चस्व रहे, ऐसी मेरी तमन्ना है? जिंदगी भर मैंने परिवार के लिए क्या क्या किया, इसकी टेप अभी भी बजती रहती है? हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, इसकी भी रट लगी रहती है? मुझे मिल रहा सम्मान मेरे घर वाले सचमुच देते हैं या मेरी उम्र है इसलिए देते हैं? यह सवाल ज्येष्ठों को है, उसका जवाब ज्येष्ठों ने मन में ही देना है। अब चलते हैं हम परिवार के केंद्र स्थान पर रहने वाले लोगों के, यानी युवा अवस्था के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता को यह सवाल है कि क्या हमारे बच्चों के साथ हमारा संवाद है? क्या लड़की को पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ससुराल अच्छा मिले, यह हमारी तमन्ना है, या वह भी एक जिम्मेदार, परिवार वत्सल तथा सक्षम माता बने, ये भी हमारा कटाक्ष है? ये उनसे सवाल है। क्या हम हमारे घर के लड़कों को महिलाओं के प्रति आदर सिखाते हैं? अपनी आर्थिक स्थिति कभी अपने बच्चों से खुलकर की है? अपने परिवार का इतिहास, अपने निजी तथा सामाजिक गतिविधियों के बारे में, उसकी गरिमा हमने बच्चों को बताई है? यह वे खुद ही सवाल का जवाब मन में दें। अगर हम छोटे बच्चों के माता पिता हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये स्टेज, छोटे बच्चों के माता पिता हैं, तो क्या हम संवेदनशील है? क्या हमारे बुजुर्गों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? हमें स्वयं को समय मिले इसलिए हम बच्चों को मोबाइल, चॉकलेट वगैरह देखकर चुप बैठाते हैं क्या? अगर बच्चा बच्ची स्कूल से आते हैं, वो हमें कुछ बताने की इच्छा जाहिर करते हैं, तब हम उनको दुलारते हैं, उनकी बात सुनते हैं, या चुप बैठ आबार नको लारू बोल ऐसा बोलते हैं? हम जो कुछ टाइम देते हैं वो क्वालिटी टाइम देते हैं या बच्चों को संवारते हैं तब भी हम मोबाइल पे रहते हैं? यह यंगस्टर्स को सवाल। अगर हम पति पत्नी की भूमिका में हैं, पति पत्नी की भूमिका में है तो उनको प्रश्न है, क्या सचमुच हम एक दूसरों को सम्मान देते हैं? क्या हमारे आपसी रिश्ते विश्वासपूर्ण है? क्या पत्नी यानी हमेशा मेरे दबाव में ही रहे, ऐसा पति का मनोदय है? क्या क्या पत्नी को पति के मेहनत की इज्जत है? क्या पति को अपने पत्नी के कष्ट की इज्जत है? पति पत्नी है तो झगड़े स्वाभाविक है, स्नेह ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन सवाल ये है कि आपसी झगड़े आपके सबके सामने होते हैं या आप उसमें मर्यादा पालते हो? आपको यह भी सवाल है कि अगर हम केंद्र स्थान पर है तो हम घर में समन्वय बनाने में हमारी अगुवाई होनी चाहिए, ये हम मानते हैं क्या? सबसे अहम प्रश्न है युवा पीढ़ी को, जो घर घर की कहानी है, उस क्या है, अगर हम युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, फिर चाहे हम बेटा है, हम बेटी है, हम बहू है या हम जमाई है, यंगस्टर्स को ये प्रश्न है कि क्या हम युवा पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हैं? क्या खुद के साथ हम औरों का विचार करते हैं? क्या शादी यानी सिर्फ पति पत्नी नहीं, हम दो परिवारों के सेतु है, यह भाव हमारे मन में है? क्या क्या हम हमारी दिनचर्या से सिर्फ 10 मिनट
अपने बुजुर्गों के लिए निकालते हैं या आंखें चुराकर हम उनको टाल देते हैं। बड़े लोगों ने ही हमसे समझौता करना चाहिए, यह भाव हम में है, क्योंकि अब हम कर्ता धर्ता है या हमारी दूसरों की सुनने की भी तैयारी है। हमें भी एडजस्टमेंट करनी होगी, यह हमारा ख्याल है क्या? हमें किसी की सलाह की जरूर नहीं है, यह घमंड है या किसी की सुनने की तैयारी? और खास प्रश्न है कि हम भी कभी बुढ़ापे की पायदान पर जाने वाले हैं, इसका स्वीकार युवा अवस्था में है क्या? उसके जवाब हम ही हमारे मन में दे देंगे। अगर रिश्ते में मैं कोई भी महिला हूँ, फिर मैं बहन हूँ, बेटी हूँ, देवरानी हूँ, जिठानी हूँ, सास हूँ, कोई भी हूँ, अगर मैं महिला हूँ तो मुझे ये प्रश्न है कि मैंने एक स्त्री होने के नाते दूसरी स्त्री की वेदना को जाना है क्या? हमारे पास गुणग्राहकता है या हम सिर्फ दोष ही निकालते हैं? और खास बात, घर में अगर महिलाओं में समन्वय हो तो निश्चित रूप से वह घर स्वर्ग बनता है, इसका स्वीकार हम में है क्या? अगर मैं घर में मुखिया हूँ, पुरुष मुखिया हूँ, तो घर में हमेशा मैं तानाशाह बने घूमता हूँ क्या? घर में मैंने आते ही सन्नाटा छाया जाए ऐसा आतंक मैंने घर में निर्माण किया है क्या? मैं किसी को बोलने भी देता हूँ या मैं खुद ही बोलते रहता हूँ? यह मुखिया से प्रश्न है। मैं भाई बहनों में से एक हूँ तो प्रश्न ये है कि धन की लालसा तथा स्वार्थ हमारे निजी संबंधों में रोड़े डालती है या परिपक्वता से समन्वय की बात होती है? दोस्तों, इन सारे जवाब हमें मालूम है। सच्चे दिल से समन्वय करने की कोशिश हम करते हैं या समन्वय करने का अपना स्वभाव नहीं, इसके उत्तर हमें कहेंगे तो प्रामाणिकता से हम आत्ममंथन करेंगे, समन्वय की पहल करेंगे। सच तो ये है कि आप रिश्ता निभाए ना निभाए, रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही रहेंगे। आपके भाई के साथ पटती हो ना पटती हो, आपने उसका पत्रिका में नाम लिखा हो ना लिखा हो, रहेगा तो वो भाई। फिर ज़बरदस्ती रिश्ते निभाने के बजाय समन्वय रखकर, थोड़ा पीछे हमको पीछे यानी कि अहम को पीछे रखकर अगर हम समन्वय बढ़ाए तो निश्चित हर परिवार सुखी होगा। आजकल हुआ ऐसे है कि हम सोशल मीडिया का दुरुपयोग बहुत कर रहे हैं, आभासी दुनिया में इतने रम गए हैं कि उसके वजह से समन्वय छूट रहा है। पहले कुछ प्रश्न होता था ना तो अध्यापकों के पास जाते थे, बड़ोरंग के पास जाते थे, लेकिन आज उनके पास जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती क्योंकि गूगल महोदय एक क्लिक पर सारे जवाब दे देते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हम कैसा भूल जाते हैं कि गूगल के पास जो फीडर है उतना ही वो बताएगा, वो जो भी जवाब देगा वो शुष्कता से देगा, उसके पास कोई अपनत्व के भाव नहीं है, अपने कल्याण के भाव नहीं है, हमें आशीर्वाद देने के भाव नहीं है, उसके पास अनुभवों का सिंचन नहीं है, उसकी उपयुक्तता 100% है, उसमें दो राय नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनों की और अपनत्व की कमतरता वो पूरी नहीं कर सकता। आदमी को बोलने के लिए आदमी चाहिए, सुख दुख साझा करने के लिए लोग चाहिए, हक जताने के लिए, प्यार करने के लिए परिवार चाहिए, शाबाशी देने के लिए समाज चाहिए। इसलिए ज्ञान विज्ञान आत्मभान और पारिवारिक समन्वय, इन सभी में अगर समन्वय हो तो निश्चित रूप से परिवार सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं चाहूँ तब परिवार मेरा, मैं चाहूँ तब समाज मेरा, अन्यथा मैं ही मेरा, यह समन्वय की बात नहीं हो सकती। सोचिए, हमारे घर में अगर शादी है तो हम इवेंट मैनेजर लगा लीजिएगी, लेकिन अगर हमारे घर में कोई दुखद घटना हुई, नमी गमी हुई, तो हम हमारे ही घर में दुख से हाथ बांधे खड़े रहते हैं। वही परिवारजन अन्य होते हैं, वही समाज के लोग होते हैं जो आते हैं और आगे की विधियां होती है। इसीलिए समन्वय का रहना बार बार अधोरेखित होता है। कोरोना की परिस्थिति में भी हमने ये जाना था, हमें महसूस हुआ था, हम जान गए थे कि अपना परिवार, अपने दोस्त, अपना समाज, इनकी जीवन में कितनी महत्ता है। बीमारी में, कोरोना में कोई किसके पास नहीं रहता था ना, इसलिए बीमारी में अकेला रहना कितना भयावह है।
अपने मस्तक पर फिरने वाला जो स्नेह भरा हाथ है उसकी कितनी ज़रूरत है, कोई पास हो तो कितना सुकून मिलता है, इसकी अनुभूति कोरोना ने हमें दी थी। इसलिए जीवन व्यापन के लिए ढेर सारी चीज़ों की नहीं, रिश्ते निभाने की और आपस में समन्वय रखने की बहुत आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, आज के विषय के अंतिम छोर में जैसे पहले बताया गया, हम देखेंगे कि एक बात पर गौर करेंगे, एक छोटा सा चिंतन शिव और शक्ति के समानता का। गृहस्थ और गृहिणी यानी स्त्री और पुरुष, इनमें समन्वय की बात हम करते हैं, बात करते हैं दोनों की समानता की, दोनों के सम्मान की, दोनों के श्रेष्ठत्व की और दोनों के गरिमा के। सोचो, शिव और शक्ति हमारे आराध्य हैं, इन्हीं से हमारी पहचान है। पुरातन ग्रंथ वेद उपनिषद इसके अनुसार शिव और शक्ति अलग है ही नहीं, वे एक दूसरों की ताकत है, वे एक दूसरों के परस्पर पूरक है, एक दूसरे के बिना वे अधूरे हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। अर्धनारीश्वर रूप यानी शिव और शक्ति, गौरी जी का महासम्मिलन, जहाँ शिवजी जगत पिता है और शक्ति यानी गौरी माँ ये जगन माता है और वे दोनों एकाकार है। इस आदिभूत मातृत्व और पितृत्व को पुराणों की प्रतिमात्मक भाषा में अर्धनारीश्वर कहा गया है। जहाँ शिव शक्ति एकाकार है, भगवान भगवती एकाकार है, लक्ष्मी नारायण एकाकार है। सज्जनों, ये सभी ईश्वर, सभी भगवान जिन्हें हम मानते हैं, वे संसार में हम लोगों ने, स्त्री पुरुषों ने कैसा रहना चाहिए इसके संकेत हमें देते हैं, वे हमें समझने चाहिए। जैसे राम जी और सीता मैया ने पति पत्नी की भूमिका कैसी हो वह सिखाया, हनुमान जी ने भक्ति सिखाई, श्री कृष्ण जी ने चतुराई सिखाई और उसी दिव्य श्रृंखला में भगवान जी महेश जी अर्धनारीश्वर रूप में हमें सुखी संसार के बारे में अपनी सलाह देते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों भी संसार में महत्वपूर्ण है, उन दोनों की संपूर्ण सहभागिता, समान दर्जा, दोनों का अथक स्नेह, आदर, सहिष्णुता, इनसे ही वे परिपूर्ण है। इनमें समन्वय है तो परिवार में समन्वय है, परिवारों में समन्वय है तो समाज सुखी है, ये हमें मान लेना चाहते हैं। इसलिए आज के इस परिप्रेक्ष्य में भी स्त्री पुरुष समानता का महत्व है। स्त्री पुरुष समानता यानी हमें किसी पे कोई लांछन लगाना नहीं है, ना ही महिलाओं का पुरुषीकरण करना है, ना ही फालतू बराबरी करनी है, लेकिन दोनों के कर्तव्य, दोनों की मर्यादा, दोनों की समझ जितनी ऊंचाई पर जाकर फलित होंगी उतना ही हमारे परिवार, हमारे जीवन की ऊंचाई वहाँ निहित होगी। इसलिए परिवार को क्षति पहुँचने वाला कोई भी कार्य ना स्त्री करे ना पुरुष करे, हमें समझ कर लेना होगा कि कुदरत ने उनकी शरीर यष्टि अलग अलग बनाई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से कोई श्रेष्ठ है या कनिष्ठ है। वो तो हम है कि कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, किसने क्या करना चाहिए, इसकी सीमारेखा हम नहीं बांध ली है। वास्तव में वे दोनों समान है और इसी वजह से समाज में स्त्रियों पर भी अन्याय होता है और पुरुषों पर भी अन्याय होता है। स्त्रियों का अन्याय फिर भी समझ में आता है क्योंकि बोला जाता है, पुरुषों पर का अन्याय होता है लेकिन बोला नहीं जाता, वह हमें समझ लेने की आवश्यकता है। पहले हम चलते हैं महिलाओं के। अभी वर्षा जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया स्त्री पुरुष समानता का महत्व, बहुत सुंदरता से बताया। स्त्रियों के बारे में बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम जितना संक्षिप्त में बताएंगे कि आज हर क्षेत्र में स्त्री आगे है, उन्हें कहीं जाने के लिए कोई रोक नक नहीं है, ये सत्य बात है। लेकिन प्रश्न ऐसा है कि किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, सुरक्षा क्षेत्र हो, न्यायिक क्षेत्र हो, जहाँ भी महिलाएं अधिकार पद पर है, वहाँ एक स्त्री अधिकारी होने के नाते वो जब भी कोई बात बताती है तो उसके पुरुष सहकारी और स्त्री सहकारी उसी आदर से पालते हैं या उनका मुँह और कुछ बोलता है, ये बहुत महत्व की बात है। जैसे वे महिला है वैसे ही गृहिणी, होम मेकर, जिनके बारे में वर्षा जी ने बताया, सच पूछो तो दिन भर
वो आर्थिक अर्थार्जन के लिए नहीं जाएंगी, लेकिन दिन भर वो कुछ न कुछ इतना ज़्यादा करते रहती है, उसके काम का मोल कोई नहीं करता, सारे रिश्तेदारों से वो संबंध रखती रहती है, संपर्क बनाए रखती है, लेकिन फिर भी उसके बारे में लुगाया ने कही अक्कल है, लुगाया की अक्कल सुल्लामा, साधो कॉमन सेंस नहीं है, इस प्रकार के उसका मान खंडन करने वाली कुछ वाक्य हम हमेशा उस पर फेंकते रहते हैं, उसके मातृत्व का गौरव करते हैं, उसके देवित्व का गौरव करते हैं, लेकिन उसको बराबरी का रिश्ता नहीं करते, ये कटु सत्य है। वो डिप्रेशन में चली जाती है, उसके दुख की भावना समझ लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर भी अपेक्षा तो हम करते हैं कि उसने संसार हंसते हंसते करना चाहिए, ये कहाँ का न्याय है। एक बात बताती हूँ आपको, माँ बहन पे गाली देना, कोई अकार्यक्षम अधिकारी हो तो उसको चूड़ियों की भेंट देना अखरता नहीं है हमें? चूड़ियाँ और स्त्रियों का जो एक रिश्ता है वो कितना अनुपम है, तो उस अधिकारी को आप चूड़ियाँ देते हैं, नुक्कड़ पर बैठकर उनकी चेष्टा मश्करी करते हैं, शेरेबाजी करती है, क्या ये संवेदनशीलता है? नहीं सज्जनों, संसार में जितना पुरुष महत्व का है, जिसका जितना उसका सम्मान महत्व का है, उतना ही महिलाओं का भी है और उसे हमें देना चाहिए। वो चार दिन नहीं रहती, जब घर अस्त व्यस्त हो जाता है तब उसकी बहुत याद आती है, लेकिन वो आने के बाद पहले पाड़े पंचांग हो जाते हैं। मैं तो स्त्रियों को भी कहूँगी कि अपना मान अपने हाथ में है, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, अपनी एक भूमिका करेंगे, और जब स्वयं हम हमको सम्मान देंगे, अपने आप सभी सम्मान देंगे, ये निश्चित बात है। अब चलते हैं पुरुषों की ओर। पुरुषों का दुख कोई नहीं जानता, भाई है सभी। पुरुषों से क्या अपेक्षा रहती है? पुरुष भी एक दबाव में रहते हैं। कैसे दबाव में रहते हैं? उन्होंने इतना कमाना चाहिए कि घर में सभी की सभी ज़रूरतें पूरी हो। उसमें थोड़ी खामी हुई कि तुलना का डर हमेशा बना रहता है। उसने रोना नहीं चाहिए, उसने डरना नहीं चाहिए। वो रोया कि बोलते हैं अरे कहीं लुगाया का जन मुड़ मुड़ रो। अरे भाई, वो इंसान है, यंत्र नहीं है। सुख में, दुख में, विपदा में चार आंसू बहाएगा, उसको क्रिटिसाइज करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ तक कि उसके बच्ची की विदाई के वक्त भी वो छुप छुप कर रोता है। यानी उससे अपेक्षा है कि वो रोना नहीं, डरना नहीं, ऐसी धारणा हम बनाते हैं। हमेशा वो संयमित रहे, हर समय वो बोझा उठाए, हर समय भागदौड़ करे, वो धूप में जाए, कठिन व्यवस्था का जिम्मा वो उठाए, क्या उस पर भी ये अन्याय नहीं है? हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? निश्चित देना चाहिए। वो भी अच्छा गाता होगा, अच्छा चित्र निकालता होगा, अच्छा खेलता होगा, लेकिन बहुत दफ़े ये उनके शौक में पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी उन पर रहती है। ऐसे समय पुरुषों को भी दिलासा देने की बहुत ज़रूरत है, आगे चल भाई, हम तेरे साथ में हैं, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास हमें उन्हें देना चाहिए। इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों समान है, शिव और शक्ति उतने ही ताकतवर है। खुले मन से, समझदारी से हमने दोनों को अगर वो सम्मान किया, कोई तुलना नहीं, दोनों की कदर की, तो निश्चित रूप से स्त्री और पुरुष समानता के साथ समन्वय बना रहेगा। मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ स्त्री पुरुष समानता नहीं, स्त्री स्त्री समानता और पुरुष पुरुष समानता भी होनी चाहिए। स्त्रियों के बारे में, वो सुहागन है या नहीं, वो बच्चों की माँ है या नहीं, बच्चों की माँ है तो बेटे की माँ है क्या, वो परित्यक्ता है क्या, वो पीड़िता है क्या, अरे वो इंसान है, पहले इंसान है, बहुत दफ़े उसकी परिस्थिति उसके हाथ में नहीं है। वैसे ही पुरुषों में, वो पदाधिकारी है क्या, वो धनवान है क्या, उसके पास उसका फ्लैट है क्या, गाड़ी है क्या, वो सामान्य कार्यकर्ता है या और कोई ऊंचे पद पर है, बड़े लोगों में उठता बैठता है क्या। स्त्री और पुरुष के रंग रूप से और उसके पद प्रतिष्ठा के सिवा वो एक इंसान है, और उसको इंसान के भांति ही अगर हम देखें तो निश्चित रूप से घर घर में आनंद आएगा। वो आनंद लेके उसे रोकता कौन है, हम ही है। संत तो कहते हैं कि वैष्णव कौन है जो पर पीड़ा को जाने, मन में समानता रहे, लेकिन भेदाभेद का कचरा हमारे मन में है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे नहीं,
अब समझदारी से हम एक दूसरों को सम्मान देंगे, अपने अपने परिवार की उन्नति करेंगे। आज जो विवाह विच्छेद हो रहे हैं, सगाइयाँ टूट रही है, उसका मूल भी कहीं अपने संस्कारों में है, ये हमें समझकर लेना चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तो वो निरागस होता है, कोई भावना नहीं होती उसमें। हम हैं जो उसके मन में स्वप्रतिमा बनाने के लिए बनती है अपने आप, जो हम जैसा बोलते हैं, जैसा तू छोरो है तू रूबाब मले, तू छोरी है तू नमतोले। क्यों? छोरो और छोरी दोनों जना समान है, दोनों ने गृह कार्य संभालने चाहिए, दोनों ने कर्तव्य बुद्धि चाहिए, दोनों ने बड़रों को सम्मान देना चाहिए। ये जब तक हम उनको सिखाते नहीं तब तक वो सीखते नहीं। शिकेड़ा का यानी कि शिक्षा लेना, ये कोई अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं रहता। आपके पास आपकी डिग्री बड़ी हो ना हो, लेकिन मन में अगर हमारे संवेदनशीलता है, संवादशीलता है, समर्पणशीलता है, तो उसका महत्व अनुपम है। लड़का हो या लड़की हो, वो अपना है, उसे अपनत्व से ही हम करेंगे तो जरूर अहंकार का टकराव नहीं होगा। शुरू से ही वो एक समान भाव करेंगे अपने साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे परिवार अब छोटे हो गए हैं, सपोर्ट सिस्टम कम हो गई है, कभी स्त्री को भी अर्थार्जन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, कभी पुरुष को भी घर का काम करना पड़ेगा। तो घर का काम कम दर्जे का है, बाहर का काम अधिक दर्जे का है, ऐसी भावना को त्याग कर मेरे परिवार में मेरी किस प्रकार की ज़रूरत है, यह भाव अगर हमारे मन में आ गया तो निश्चित रूप से समन्वय होने से कोई नहीं रोक सकता। समन्वय हो ही जाएगा। उसकी पहल जैसे भैया ने बताया, स्वयं से शुरू करना है। अगर खुद उस प्रकार का हम आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी से उस आचरण की अपेक्षा करेंगे। चलो हुआ हो हुआ, छोड़ देते हैं सारे गीले शिकवे, समन्वय की हम ही करते हैं पहल। शिव और शक्ति जहां एकाकार, वहीं होंगे आदर्श परिवार। परिवार का हर व्यक्ति बन जाए अगर समझदार तो समन्वय हो गए साकार। हम ही है हमारे जीवन के शिल्पकार। आज जो ये भव्य आयोजन, आज हॉल भर गया, बहुत अच्छा लगा है। कार्यकर्ता, संगठन और समाज, इनका जब समन्वय हुआ है तो सुचारू रूप से इतना सुंदर अधिवेशन हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा ही समन्वय हमारा बना रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, यहीं रुकती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाभी। आधुनिक परिवेश में बदलते जीवन शैली के साथ अलग अलग रिश्तों में समन्वय बनाने के और परिवार में गरिमा बनाए रखने के बारे में बहुत सुंदर आत्मपरीक्षण करने का प्रयत्न किया है। बच्चों के, युवाओं के, ज्येष्ठों के मर्यादों को तथा जिम्मेदारियों को बहुत अच्छा ही आपने विस्तृत रूप से विवेचन आज यहाँ पर किया है। मैं सदन से नम्र विनंती करती हूँ कि हमारा दूसरा सत्र यहाँ पर विश्राम ले रहा है।